तो आज का लेक्चर हमारा फाइबर्स एंड उसके रिगार्डिंग है, एनर्जी सिस्टम। ओके, तो एज आई सेड, लाइक एनर्जी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी सिस्टम क्या है। जो हमारे बॉडी में, जैसे एक आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में एक टाइप की करेंसी, जैसे किलो कैलोरीज है, हम लोग जो एनर्जी स्पेंड करते हैं उसका यूनिट कौन सा होता है? किलो कैलोरी। ओके, तो एनर्जी मतलब कितना एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं, कितना नंबर, वो जो नंबर जिस यूनिट में उसका मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं किलो कैलोरीज। ओके, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक तरह से एक ऐसी हीट बॉडी में रिक्वायर्ड होती है जिससे हीट से हम बहुत सारे जो भी हैं काम कर पाते हैं, बहुत सारे जैसे थिंकिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, या फिर जो भी हम लोग डेली रूटीन के काम करते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी लगती है। एनर्जी क्या है? एक तरह से मेजर करेंसी है जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। ओके, तो पहले अब देखिए कि हर एक जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट खाते हैं, जैसे हम लोग अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट स्टडी किए, तो वो ईच एंड एवरी मैक्रोन्यूट्रिएंट से कैसे कैलोरीज आती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। ओके, फैट के 1 ग्राम में हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है, और प्रोटीन के 1 ग्राम में अगेन हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो आपने देखा होगा कंपैरिजन, यहाँ पे फैट में क्या है कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, फैट में क्या है जो एनर्जी है वो ज्यादा है। ओके, वो डबल है। ओके, सो इसलिए हम लोग ना फैट का जो, अगर हमने देखा होगा स्टार्ट से कि जो हम लोग फैट का कंजप्शन करते हैं वो कंपेरेटिवली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन थोड़ा कम करते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप खाने में आप आज आधा किलो चिकन ला रहे हो, राइट, आधा किलो अगर चिकन या फिर आधा किलो पनीर आप बना रहे हो फैमिली के लिए, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें हम लोग रोटी तो हम लोग उतने ही, अगर कंपेरेटिव रोटी देखे जाए तो हम लोग कितना रोटी या फिर राइस, वो चिकन जितना भी होगा उसकी कंपैरिजन में उतना ही रहता है, इक्वली रहता है ऑलमोस्ट, जितना भी हम लोग खाने में लेते हैं। लेकिन हम लोग फैट क्या लेते हैं एकदम, अगर आधा किलो चिकन है तो हम लोग कितना फैट लेते हैं? 10, 20, 25 ग्राम मैक्स टू मैक्स, अगर ज्यादा मसाले भूनने हो कुछ हो तो उससे ज्यादा हम लोग ऑयल नहीं यूज करते, ऑयल इज अ प्योर फैट। ओके, तो वो क्या है, पहले तो हम लोग टेस्ट भी हमें उससे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, और क्या है वो खाने के लिए भी हमें उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। अभी आप बहुत सारे जंक फूड्स के रेसिपीज देखते हो, जंक फूड के रेसिपीज में क्या होता है, आप देखते हो बहुत सारे जो बटर की बड़े बड़े जो ये रहते हैं, लादी बोलते हैं हम लोग उनको, जो बड़े बड़े जो ग्राम्स में है कि आधा किलो का बटर, 100 ग्राम, 200 ग्राम, उतना एक ही आपके खाने में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज है वो अराइज हो सकती हैं। ओके, जिससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए क्या, अभी लास्ट मुझे एक लास्ट लेक्चर में किसी का क्वेश्चन था कि हमें कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करना है, राइट? तो आज के लेक्चर में आप एनर्जी के लेक्चर में है हमारे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऐसा होता है कि आपके बॉडी में जो आप डेली की जो बेसिक चीजें हैं, जो आप कुछ करो नहीं करो, मतलब अगर आप एक्टिव पर्सन हो, आप सेडेंटरी पर्सन हो, आपका रूटीन कैसा भी हो, डिस्पाइट ऑफ दैट आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट अकॉर्डिंग टू योर एज या फिर अकॉर्डिंग टू योर यू नो जेंडर, वो उतना ही बेसिक रहने वाला है। ओके, जैसे मतलब क्या, जैसे आप ब्रीदिंग करते हो, आपके बॉडी में जो भी है डाइजेशन हो रहा है, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स वर्क हो रहे हैं, आप नॉर्मली जितना आपका मसल मास है, ओके, वो क्या है, वो सस्टेन करने के लिए, वो जो बेसिक सस्टेनेबिलिटी है वो बेसिक सस्टेन करने के लिए क्या बेसल मेटाबॉलिक रेट रहता है। ओके, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि ये जैसे आपकी किडनी फंक्शन हो गई, आपके जो बॉडी के हार्ट बीट्स है, उसके लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। ओके, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो। ओके, सो उसको रेस्टिंग भी बोला जाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो, RMR भी उसको बोला जाता है। जस्ट अ मिनट, सो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, अभी उसको क्लोजली रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बोला जाता है, RMR।
ओके, आरएमआर किस लिए? क्योंकि वो रेस्टिंग आवर्स में किया जाता है, बट वो इतना ही सिमिलर नहीं है। आरएमआर और बीएमआर में बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट बीएमआर को आरएमआर भी बताया जाता है, क्योंकि वो क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है। ओके, सो यूजुअली क्या होता है, वुमेन्स है ना, वुमेन्स में 1400 किलो कैलोरीज का बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, ये अप्रोक्स है। हाइट वेरी करती है, हाइट या फिर एज क्या है, बट एक जनरली एक वुमेन है, एक वेल ग्रोन वुमेन है, उनका यूजुअली 1400 किलो कैलोरीज के अराउंड क्या होता है, बीएमआर होता है। ओके, यानी क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और मेन का कितना होता है, 1600 किलो कैलोरीज। अभी ये किस लिए है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ब्रीदिंग या फिर जो भी डेली का किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, जो ब्रीदिंग है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए ये बेसिक है। इसलिए आपको कभी भी आपका डाइट है ना, 1400 किलो कैलोरीज या फिर 1600 किलो कैलोरीज से कम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ही इतनी है। अगर इससे ज्यादा आप कैलोरी डिफिशियंट में चले जाते हो ना, तो वो क्या आपको हार्म कर सकती है, आपके बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस है वो हार्म हो सकते हैं। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है ऐसा है, या फिर किसी को कोई लैंग्वेज में किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, हिंदी इंग्लिश? ओके, चलेगा, हम आगे चलते हैं। तो डिफरेंस क्या है बेसिक मेटाबॉलिक रेट में, वीएमआर और आरएमआर में डिफरेंस क्या है? अभी वीएमआर और आरएमआर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आरएमआर कैसे होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन एक्टिव है, ओके, सो वो जब रेस्ट कर रहा होगा ना, उस टाइम पे उसका आरएमआर लिया जाता है। मतलब वो आरएमआर में क्या आएगा, उसके मसल का कितना पर डे का कैलोरी एक्सपेंडिचर है, वो यूजुअली एथलीट है, वो क्या है, जो भी है, तो वो आर एम आर आता है। और बेसिक बी एम आर क्या आता है कि कोई पर्सन एथलीट हो, नहीं हो, क्या है, फिर भी उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो सारी चीजें आती हैं। ओके, इसलिए तो बी एम आर और आर एम आर में वो डिफरेंस आता है। ओके, अभी आर एम आर का मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे अगर कोई बहुत एथलीट है, ओके, अगर वो एथलीट है, उसका पर डे का जो नॉर्मल है कैलोरी स्पेंड, कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2500 3000 कैलोरीज तक का होगा, पर वो जब रेस्ट कर रहा है, वो कुछ नहीं, वो सुबह उठा है, वो रेस्ट कर रहा है, तो वो रेस्टिंग टाइम पे उसका कितना आएगा आरएमआर, आरएमआर जो होगा ना, वो कितना आएगा, 2200 2300, क्योंकि जस्ट वो सुबह उठा है, उसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, उसके मसल्स भी काफी रिलैक्स है, तो वो क्या हो गया, आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट हो गया, वो क्या हो गया, आरएमआर। और वही पर्सन जो है ना, उसकी बेसिक जो वो आरएमआर रिपोर्ट जो प्रॉपर निकालेगा, तो उसमें बेसिक क्या आता है कि 1600 क्या होता है कि एक हाइट है, एक वेल ग्रोन मैन है, इसकी 1600 बेसिक रिक्वायरमेंट आती है, जो उसको ब्रीदिंग में लगती है, जो उसको किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, जो उसके होने के लिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होने के लिए लगता है, तो वो क्या आता है, बेसिक बीएमआर रिपोर्ट आता है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, बीएमआर और आरएमआर में आपको डिफरेंस समझ रहा है? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, सुन लो, आगे बढ़ रहा है। सो ह्यूमन बींग्स नीड्स एनर्जी फॉर फॉलोइंग फंक्शन। जैसे फॉलोइंग फंक्शन कौन से हैं, जैसे हमने बताया था कि सिक्रेशंस है, ओके, जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, ये जो बेसिक चीजें होती है, जो मसल्स है, जो ब्रेन्स है, ये सारी जो बेसिक चीजें होती है ना, उनके लिए क्या रहते हैं, ह्यूमंस को मेटाबॉलिज्म भी है, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म उसको बोला जाता है, बेसिक मेटाबॉलिज्म, जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जो अगर आप एक्टिव हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो, आपके वो बेसिक चीजें बॉडी में होने ही वाली हैं। अगर आप एथलीट हो या फिर आप 9 to 5 काम पे जाने वाले हो, आपकी हार्ट बीट तो होने ही वाली है। ओके, तो ये जो बेसिक चीजें होती है ना, उसको ऐसे बोला जाता है। ओके, तो बेसिक उनको बोला जाता है, जो बीएमआर जो क्या रहता है, जो अगर कोई एथलीट है तो भी वो ब्रीदिंग करने वाला है, अगर कोई 9 to 5 पर्सन है तो भी वो ब्रीदिंग करने वाला है, जो हॉर्मोन्स है, जो एंजाइम्स है,
जो उनकी सिक्रेशन प्रोसेस है बॉडी की वो होनी ही वाली है डिस्पाइट ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ डेली बेसिस। ओके सो इसलिए क्या बोला जाता है इसको बेसल मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये क्या होती है बेसिक काम होते हैं। जैसे अगर हम कोई एक पर्सन है, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें सुबह बेसिक होता है कि हमें सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, तो ये क्या हो गया, और फिर शाम को आपके काम वगैरह जो भी रहेगा वो करके सोना है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेसिक काम हो गया। ओके तो वो हम अगर कोई एथलीट है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई कैसा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, कोई लड़का है, कोई लड़की है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, ये उसको बेसिक काम करना ही है। उसको सुबह उठना है, उसको ब्रश करना है, उसको नहाना है, उसको ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसको आगे जो भी अपना काम प्रोसीड करने जाना है, शाम को आके वो सोना है। ओके तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। वैसे हमारी बॉडी की क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म, जो बेसिक चीजें हैं जो होनी ही वाली है बॉडी की। ओके तो मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स टू फूड। अभी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स फूड को क्या होता है, ओके सो व्हाट इज मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू फूड, ईटिंग रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द इंजेशन एंड डाइजेशन, ओके और फूड फॉर द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरकन्वर्जन, ऑक्सीडेशन, डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट। यूजुअली क्या होता है, आपकी बॉडी जो भी आप खाना खाते हो उसका एक प्रोसेस होता है कि इंजेशन यानी पहले खाना, डाइजेशन उसका मतलब ब्रेक डाउन होता है फूड का, फिर क्या होता है अब्सॉर्प्शन, जहां जहां रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो पहले अब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी, उसके बाद करती है ट्रांसपोर्ट जहां पे जो भी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पनीर खा लिया, तो पनीर में क्या होता है, आप पहले पनीर खाओगे, चबाओगे मुंह में, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा और छोटे फाइन पीसेस में, फिर उसके ऊपर जो एसिड्स रहेंगे वो एसिड्स होंगे रिलीज, वो एसिड्स रिलीज होने के बाद क्या होता है उसके अब्सॉर्प्शन होगा। ओके जो अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जैसे अगर उसमें जितना भी पनीर में क्या होगा, लैक्टोज होगा, जो भी कार्ब्स है वो कार्ब्स के लिए अमाइलेज एंजाइम है वो उनको अब्जॉर्ब करेंगे, फिर जो प्रोटीन है उसके लिए पेप्टीज एंजाइम है वो वर्क करेगा, फिर जो फैट है उसके लिए जो लाइपेज एंजाइम है वो वर्क करेंगे, और वो को क्या करेंगे, उनको अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांसपोर्ट करना है आगे, तो जो भी वहाँ पे प्लेसेस हैं, जो भी वहाँ पे एंजाइम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नीडेड है वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, जहाँ पे प्रोटीन मसल रिक्वायरमेंट है, मसल रिपेयर है, या फिर स्किन रिपेयर है, या फिर हेयर रिपेयर है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या करेंगे, वो प्रोटीन करेंगे भेजेंगे, जहाँ पे फैट रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो हॉर्मोन्स हो गए, स्किन होगी, वहाँ पे वो फैट भेजेंगे, तो ये क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा, फिर क्या होगा इंटरकन्वर्जन, अभी जो जैसे पीसेस में गया है वो उसके अकॉर्डिंग उसको इंटर कन्वर्जन करेगा, राइट, मतलब प्रोटीन जिस भी पीसेस में गया है वो उसको ब्रेक डाउन करके क्या करेगा, प्रोटीन की जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करके यूज करेगा, राइट, इंटर कन्वर्जन बोलते हैं उसको। ये भी जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिस भी फॉर्म में गया है बट सामने वाले को किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, जैसे अगर वो आरबीसी है वहां पे बोन्स में गया है, बोन मैरो के पास गया है कि ब्रेन के पास गया है, कि अगर वो कहाँ पे ग्लूकोज गया है, जहां पे भी गया है वो क्या करेगा इंटर कन्वर्जन करेगा। ओके वो चीजों को जैसे रिक्वायर्ड है वैसे उनकी तरह से वो कन्वर्ट करके वो यूज करेगा, फिर क्या करेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी उनको उनके हिसाब से करने के बाद जो भी चीजें यूज होनी है वो यूज करके फिर वो सिक्रेट करेगा। ओके वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, फिर जहां पे है वहां पे वो डिपोजिट हो जाएंगी, तो ये क्या होता है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है न्यूट्रिशन का। जैसे हम लोग के सोचते काफी सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी है तुरंत खा लिया, पर खाने के बाद क्या है बहुत सारी स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स में क्या होता है डाइजेशन होने के बाद फिर वो बहुत लंबी प्रोसेस है खाने के डाइजेशन की, और ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको वो समय क्या देना होता है राइट फूड अगर आप देंगे ना तो आपकी बॉडी एकदम परफेक्टली वर्क करेगी। जहां आपने कोई भी चीज का एक्सेस कर लिया, जैसे कोई भी चीज आप एक्सेस अमाउंट में खा रहे हो, लाइक एनी थिंग, इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, इट कुड बी फैट, इट कुड बी प्रोटीन, इट कुड बी वाटर ऑल्सो, एनी थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड इफ यू ईट इन एक्सेस अमाउंट योर बॉडी विल गेट इन अ टॉक्सिक वे। ओके जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी चीज में अगर कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाती है ना तो वो चीज टॉक्सिक हो जाती है। ओके जैसे फिर वो रिलेशनशिप हो, फिर नॉर्मल आपका रोज का बिहेवियर हो, या फिर कोई आपका खाने पीने का हो। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन है, जैसे अगर हमारी मॉम डैड है, अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा ओवर प्यार दे देते तो बच्चा क्या होता है बिगड़ जाता है, मतलब वहां पे क्या हो गया टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई। ओके वैसे हमारे खाने पीने का भी है, अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, अगर आप उसका इंटेक एक्सेस करते हो जस्ट बिकॉज, जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में मोस्टली क्या होता है
कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री है हमारी, हमारे यहाँ पे फार्मिंग काफी अच्छी होती है। तो फार्मिंग अच्छी होने की वजह से क्या है कि बहुत सारा क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट काफी सस्ते में और काफी ज्यादा मिल जाता है। तो हमारा मेजरली इंटेक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, मतलब गेहूं से बनी हुई चीजें, जो जो भी फार्मिंग से राइस से बनी हुई चीजें हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसको इंटेक करते हैं। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया की फार्मिंग इतनी ज्यादा है इंडिया में कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो स्टोरेज होती है ना, बहुत सारे स्टोरेज कुछ 8 समथिंग मिलियन टन्स में होती है, वो उससे ज्यादा क्रॉस होके उनके पास स्टोर्ड है, क्योंकि इतना ज्यादा फार्मिंग होता है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे तक आते आते, एक नॉर्मल पर्सन तक आते आते चीजें कॉस्टली हो जाती है, बट जो फार्मर्स है वो काफी सस्ते में बेचते हैं, और वो बेचने के बाद क्या होते हैं, वो वैसे स्टोर्ड रहते हैं बहुत टाइम तक। तो ये सारी चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा स्टोर। तो हमारी इंडिया क्या है, काफी कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री है। कार्बोहाइड्रेट रिच कंट्री होने की वजह से हमारे खाने पीने में इंटेक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होता है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल और राइस, ये सारी हमारे मील्स में रहते हैं। अगर आप नॉर्मल कोई सिटी में भी आते हो, तो सिटी में भी क्या, अगर आप बाहर कभी फूड स्टॉल पे चले जाते हो, तो आपको देखिए ना, आपको भजी मिल जाएगी, आपको सैंडविच मिल जाएगा, आपको पास्ता मिल जाएगा। तो ये सारी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ कार्ब्स है। आपको जंक फूड में वड़ा पाव, समोसा पाव, चाट, ये सारी चीजें मिल जाती है। तो अभी ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ब्स है, बट है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ये व्हीट, राइस, यही सारी चीजों से बनी हुई चीजें हैं। तो ये क्या है, क्यों है ये इतना सस्ता? अभी आप वही आप सोचो, अगर आप प्रोटीन खाने जा रहे हो, अगर आपको प्रॉपर एक हेल्दी चिकन खाना है, तो हेल्दी चिकन आपको कितना आएगा, 200 रुपीज का आएगा। पर वही आपको 10-20 रुपीज में क्या वो जो मिल जाता है, थोड़ी बहुत चाट या फिर कोई भी समोसा वड़ा पाव आपको काफी इजीली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चीजें बहुत कॉस्टली है, बहुत सस्ती है। और प्रोटीन क्या है, चिकन वगैरह आपको काफी महंगा मिल जाता है, या फिर आप पनीर की कोई भी चीज खाने जाओ। तो इसलिए क्या होता है, हमारी कंट्री जो है रिच है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे यहाँ पे एक्सेस इंटेक किस चीज का होता है, कार्बोहाइड्रेट का। इस वजह से अगर आप देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिया में भी ओबिसिटी काफी बढ़ रही है। पहले एक रहता था कि एक स्कूल में, हमारे ऐसे रहता था कि स्कूल में एक कोई बच्चा रहता था जो काफी ओबीज रहता था। अभी स्कूल में ऐसा है ना कि एक हाथ दो कोई बच्चा है जो काफी पतला है, वरना लोग मोस्टली किड्स क्या है, ओबीज है, किड्स भी ओबीज होते जा रहे हैं। ओके, क्योंकि क्या है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो जंक फूड है, वो काफी इजिली अवेलेबल है। पहले के टाइम पे इतना अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी, पहले ऐसे रहता था कि बाहर का खाना मतलब काफी ओकेजनली, काफी रेयरली मिलता था। अभी कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग के लिए और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, और हमारे पास क्या है, फार्मिंग की वजह से बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेस अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए क्या होता है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स जो है, ये सारी चीजों को, जो कोई भी चीज आप एक्सेस अमाउंट में करते हो, वो क्या होता है, टॉक्सिसिटी में क्रिएट हो जाता है। ओके, हमारी बॉडी में। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी, आफ्टर BMR क्या होता है, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ डेली रूटीन क्या होता है, एक्सपेंडिचर दैट ह्यूमन परफॉर्म्स इज ऑब्लिगेटरी एंड डिस्क्रिशनरी इज फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब आपकी बॉडी जो है, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म कितना है, 1400 फॉर वुमेन्स एंड 1600 फॉर मेन। अभी इसके बाद जो हायर इंटेक रहता है, जो हायर एक्सपेंस रहता है आपकी बॉडी का, वो क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी। अगर इसलिए कोई पर्सन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, तो वो क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है। पर जो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी जो है एक अच्छे लेवल में बढ़ जाती है। ओके, तो वो क्या होता है, उनका जो फिजिकल एक्सपेंस है, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, वो काफी बढ़ जाता है। जैसे 1400 फीमेल्स का है, तो आराम से वो 2000+ वो क्रॉस कर देती है, क्योंकि यूजुअली जो बाकी सारी चीजें हैं उसमें बहुत मिनिमल कैलोरीज लगती है, पर जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हो ना, आपकी कैलोरीज का एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, जो ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज रहती है, जैसे ऑक्यूपेशनल वर्क, डेली एक्टिविटीज सच एज गोइंग टू स्कूल एंड स्पेंडिंग लाइक रनिंग टू होम एंड फैमिलीज, ये जो ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज है, जो बेसिक जो हम लोग घर पे करते ही हैं। ओके, वो क्या होता है, सोशल कल्चर वगैरह उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें काफी मिनिमल एक्टिविटीज है, काफी मिनिमल जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा होता है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई ऐसे? ओके, सो क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्टिविटीज जो है, बेसिक जो हमारी एक्टिविटीज हैं,
ओके जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो घर पे जो भी काम होते हैं, है बीएमआर काउंट का भी है आपको आगे ऑप्शन। देखिए बीएमआर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे टूल्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वेबसाइट में जाके बीएमआर कैलकुलेटर या फिर बीएमआई कैलकुलेटर ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप हाइट वेट ऐड कीजिए और इजीली कैलकुलेशन आ जाता है। क्योंकि देखिए जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, और अजम्पशन लाइक हमारे पास भी अभी जो है वो एक कैलकुलेशन है, जो एक अजम्पशन है, जो 90% करेक्ट है, 10% करेक्ट नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि सामने वाले की हाइट इतनी है, वेट इतना है, तो इतना सामने वाला का अज्यूमेबल बीएमआर हो सकता है। एक्यूरेट बीएमआर कहाँ पे आता है, अगर बीएमआई वगैरह जो मशीन्स रहती हैं वो मशीन्स में भी 95% एक्यूरेट रहता है, 5% डाउटफुल रहता है कि सामने वाला पर्सन, यू नेवर नो कि कुछ खा के आया हो, कितना रेस्ट हुआ है उसका, उसकी नींद पूरी हुई है कि नहीं, एक दिन पहले उसने क्या एक्टिविटी की है, ये सारी चीजों पे वो मैनिपुलेट हो सकता है। ओके सोचो एक डेक्सा स्कैन करके एक मशीन आती है, जो मोस्टली बड़े बड़े जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स रहते हैं वहां पे अवेलेबल रहती है डेक्सा स्कैन, DEXA। सो डेक्सा स्कैन जो रहता है वो थोड़ा एक्यूरेट रहता है, वो 98-99% एक्यूरेट रहता है डेक्सा स्कैन। बाकी जो सारे जो हम लोग कैलकुलेशन भी आज करते हैं या फिर आप वेबसाइट से भी निकालो, वो 90% एक्यूरेट है। बीएमए मशीन जो है वो 95% एक्यूरेट है, और जो डेक्सा मशीन है वो 98-99% है। पर देखिए ह्यूमन बॉडी है ना, कोई भी आपको 100% एक्यूरेट ह्यूमन बॉडी का कैलकुलेशन कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हमारी एवरी डे चेंज होती है। जैसे एवरी डे क्यों चेंज होती है, क्योंकि हम जो एवरी डे एक्टिविटी करते हैं वो सेम नहीं रहते, एवरी डे वेदर सेम नहीं रहता। ओके तो हमारी बॉडी क्या वेदर के हिसाब से भी ढल जाती है, जो भी वेदर है। ओके अगर जो भी वेदर है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ढल जाती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी का 100% एक्यूरेट स्टेज आपको कोई मशीन नहीं दे सकती। ओके सो इसलिए क्या मोस्टली ये मशीन आपको कैसे सिर्फ एक एस्टिमेट डाइट बनाने के लिए ठीक है, बट आपको बेसिक जैसे मैंने बताया बीएमआर आपको ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज भी हैं जो आगे आपको शेयर हो जाएंगे बीएमआई बीएमआर के लेक्चर में। और फिर भी आपका कोई एथलीट है, एथलीट को हमेशा डेक्सा स्कैन सजेस्ट कीजिए, और कोई एथलीट है आपके कॉन्टेक्ट में जिनको एक्यूरेट एकदम इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर भी 98-99% कौन सी डेक्सा स्कैन सही होती है, जो 3,000 रुपीज तक हो जाती है। आई थिंक इंडिया में जितने मैंने देखे हैं मोस्टली 3,000 रुपीज के अराउंड आपको मिल जाता है उसका रिपोर्ट। ओके सो बॉडी साइज, द बीएमआर इज क्लोजली रिलेटेड टू द बॉडी सरफेस एरिया एट बेसल हीट एंड प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बॉडी साइज के हिसाब से क्या होता है, बीएमआर बॉडी साइज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर आप देखिए, अगर कोई 6 फीट का एकदम मस्कुलर बंदा है तो उसका क्या होगा, उसका बीएमआर लेवल डेफिनेटली ज्यादा होगा ना, क्यों, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, उसमें मसल मास ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, पर डे का बीएमआर डेफिनेटली 1,600 से ज्यादा ही होगा। वही अगर 6 फीट का एकदम सेडेंटरी बंदा है जो कुछ नहीं करता, जो पूरा दिन सोया रहता है, दुबला पतला सा है या फिर काफी मोटा है, ऐसा भी समझ सकते हो, जो कुछ नहीं करता, जो सिर्फ बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका बीएमआर लेवल कंपेयर टू दैट अदर पर्सन काफी कम होगा। ओके तो वैसे है बॉडी साइज भी मैटर करता है, जैसे 1,600 हम लोगों ने क्या बोला, एक एस्टिमेटेड नंबर है, इट इज नॉट एक्यूरेट नंबर। ओके तो अगर हर पर्सन का जो बॉडी साइज है वो मैटर करता है, अगेन द एज। ओके तो यूजुअली क्या रहता है, डेक्सा टेस्ट क्या होता है, जिसमें ना बॉडी पूरा स्कैन होता है, और जिसमें आपका मसल मास कितना है, आपका फैट मास कितना है, वाटर मास कितना है, ये सारा रिपोर्ट आता है, आपका बीएमआर कितना है, आपका पर डे का कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना है, बीएमआई कितना है, ये सारी मशीन आती है, वो मशीन में आपको पता चलता है। तो ये डेक्सा स्कैन मोस्टली एथलीट्स करते हैं, जो भी नेशनल लेवल पे खेलते हैं, जो स्टेट लेवल पे खेलते हैं, तो उनको अगर फैट पर्सन उसमें करना है, सर्टन कैटेगरी सर्टन वेट कैटेगरी के अंडर उनको खेलना होता है ना, तो वो लोग ये करते हैं डेक्सा परफॉर्म। वो बड़े बड़े जो डायग्नोस्टिक सेंटर रहते हैं जहाँ पे एक्सरे सोनोग्राफी ऐसे होता है ना, वो बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में वो अवेलेबल रहता है, फिर काफी जो अगर बड़ा कोई स्कैनर ये रहता है ना वहां पे रहता है। ओके तो एज, एज का क्या होता है, बीएमआर लेवल एज से भी रिलेवेंट रहता है। वही देखिए अगर 25, अगर कोई पर्सन है वो 6 फीट का हाइट का है, मस्क्यूलर भी है, पर जो जो मस्क्यूलर है वो 25 ईयर्स का है, एंड अगेन वो सेम हाइट सेम वेट सेम मसल का पर्सन 45 ईयर्स का है, तो क्या होगा, ये दो चीजों में क्या होता है,
जो बीएमआर लेवल होता है वो कम ज्यादा होता है। जो 45 वाला होगा उसका बीएमआर कंपेरेटिवली 25 ईयर्स के पर्सन से कम होगा, क्योंकि 25 ईयर्स में क्या होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। तो 25 ईयर्स में क्या होता है, कोई भी पर्सन काफी एनर्जेटिक होता है। ओके, सो इसलिए क्या होता है, डेक्सा स्कैन जो रहता है, डेक्सा बोल रही हूँ, ये जो बीएमआर रहता है वो बीएमआर 25 ईयर्स वाला थोड़ा कम रहता है। ओके, और 45 ईयर्स का मतलब जो कंपेयर टू 45 ईयर्स हम बोल रहे हैं, वो जो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हाई रहती है, उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। तो 25 ईयर्स वाला जो है पर्सन, उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, उसका बीएमआर लेवल हाई होगा, उसका बीएमआई लेवल हाई होगा। पर वही जो 45 वाला पर्सन है उसका बीएमआर लेवल कम होगा, कैलोरी एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि वो एज ऐसी है ना कि वो एज में बॉडी क्या रहती है, सिर्फ डिग्रेड होती रहती है, रिपेयर नहीं होती। और 25 ईयर में क्या होती है, सिर्फ ग्रो होती है। टिल 29 बॉडी क्या कर रही है, ग्रो हो रही है, ग्रो हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही रहे हैं बॉडी में, न्यू न्यू सेल्स बन रहे हैं। और 45 में क्या होता है कि बॉडी आपकी डिग्रेड होती रहती है, जो भी चीजें हैं वो डिग्रेड होती जाती हैं, पर उनके हाइट मसल्स वेट की वजह से क्या होता है, रिटेन कर पाते हैं। ओके, अभी सेक्स, अगर कोई फीमेल है, जैसे हमने देखा था विमेन है, उनका क्या होता है, 6 से 10% लोअर बीएमआई होता है। अगर कोई 6 फीट की विमेन है, ओके, उस वो भी मस्कुलर है, और 6 फीट का मैन है वो भी मस्कुलर है, दोनों की एज भी सेम है, 25 25, दोनों की फिजिकल एक्टिविटी भी सेम है, फिर भी क्या होगी, जो वुमेन होगा उसका 6 से 10% लोअर बीएमआर होगा। क्यों? क्योंकि वुमेन्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, और जो मेन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मसल बिल्ड करता है, इसलिए क्या होता है, जो मेन होगा उसमें क्या होगा, बीएमआर लेवल हाई होगा कंपेयर टू वुमेन। ओके, जो विमेन का होगा वो कम होगा, क्योंकि उसके बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो ज्यादा मसल्स बनाते ही नहीं है, वो क्या है, फैट प्रोन है, बॉडी में ज्यादा फैट बनाते हैं। ओके, इजीली फैट बना देते हैं। तो विमेन्स का क्या होगा, 6 से 2% लोअर, 6 से 10% लोअर बीएमआर होगा। ओके, स्लीप है। अगर कोई पर्सन, अगेन अगर हमने सेम एग्जाम्पल लिया, अगर दो मेल है वो 25 ईयर्स के हैं, ओके, उनका मसल परसेंट भी सेम है, ओके, और वो हाइट भी सेम है, 6 फीट है अगेन, लेकिन जो एक पर्सन है, पर्सन ए है, वो अच्छे से सोता है, उसकी 6 से 7 8 घंटे मस्त नींद होती है, और दूसरा है वो 2 4 घंटे ही सो पाता है, वो अच्छे से डे टू डे नहीं सो पाता। तो जो 7 to 8 आवर्स सो रहा है उसका बीएमआर लेवल हाई होगा, क्यों, उसकी बॉडी को रिकवरी के लिए अच्छे से टाइम मिल पा रहा है, और जो 2 से 4 घंटे सो रहा है उसकी बॉडी को अच्छे से रिकवरी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी बॉडी क्या है, अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रही है, जो भी मसल रिकवरी है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। ओके, फीवर, बीएमआर इज रेज इन अ फीवर, जब ये कोई भी अगर बीमार है उस टाइम पे क्या होता है, उसका बीएमआर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई बीमार पड़ जाता है ना, उसका सडन वेट लॉस हो जाता है। अभी वेट लॉस होते टाइम ना बॉडी ये नहीं सोचती कि वो मसल यूज कर रही है कि फैट यूज कर रही है, बट उसका क्या होता है, बीएमआर लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पे, और वो क्या होता है, कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है जब किसी को भी फीवर आता है। ऐसे वैसे ही कोई अगर फियर है, एंग्जाइटी है, नर्वस टेंशन है, कुछ भी, ये सारी भी चीजें रहती है, जब आप डर जाते हो, जब आप डर जाते हो तो देखना आपकी हाइट, तो आपका जो हार्ट है ना वो हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, एंग्जाइटी लेवल है, ओके, आपकी बॉडी में जो कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, तब भी आपका क्या होता है, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाता है। नर्वस टेंशन, कोई भी आपको टेंशन है, या फिर कोई भी ऐसे डिप्रेशन है, कोई भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है माइंड पे, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसे टाइम पे भी क्या होता है, आपका जो बीएमआर लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। ओके, दिस इज नॉट अ हेल्दी वे, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि माइंड हमारा डिफरेंट वे में चला जाता है, बट दिस इज नॉट अ हेल्दी वे, बट ये बीएमआर लेवल क्या होता है, उस सर्टन टाइम तक पे बढ़ जाता है। ओके, अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन है या फिर कोई स्टार्वेशन है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि उस टाइम पे बीएमआर लेवल हमारा 10 to 20% कम हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा, किसी को पतला होना होता है ना, वो सडनली खाना खाना बंद कर देते हैं, भूखे रहते हैं। ओके, या फिर क्या करते हैं, जो खाना खा रहे हैं ना उनको राइट आइडिया नहीं होता ना, तो वो कट कर देते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, अंडर न्यूट्रिशन या फिर क्या स्टार्वेशन, ऐसी चीजों में क्या होता है, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और उल्टा उनका ना वेट गेन होना चालू हो जाता है। तो वो लोग ये सोचते हैं, अरे अभी मैंने खाना भी बंद कर दिया है, अभी तो मैं एक्सेस खा भी नहीं रहा हूँ, या फिर मैं अभी मैं भूखा रह रहा हूँ, तो भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो इससे ये वेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि उनका बीएमआर लेवल जो है वो 10 to 20% कम हो गया। ओके, और ये बीएमआर लेवल उनका धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वो अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं और स्टार्वेशन में पीरियड में रहते हैं। ओके,
हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, अगर कंडीशंस ऑफ हाइपोथायरायडिशन, जो हाइपोथायरायड है, हाइपोथायरायड या फिर हाइपर थायरॉयड, ये सारी केसेस में क्या होता है, बीएमआर, जो हमारा थायराइड हार्मोन है, जो यहाँ पे नेक के पास हमारी ग्लैंड रहती है, वहां से वो रिलीज होते हैं। तो अभी क्या है, वो उस टाइम पे वो हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म हैंडल करता है, जो थायराइड ग्लैंड है हमारी। और उस वजह से क्या है ना, जब हमें हाइपो या फिर हाइपर थायराइड में हो जाता है, तो हाइपो में क्या होता है, बीएमआर लेवल कम हो जाता है, और हाइपर में क्या होता है, बीएमआर लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइपो में क्या है, हॉर्मोन्स जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, कम रिलीज हो रहे हैं, जो थायराइड हार्मोन है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा बीएमआर लेवल है वो कम हो जाता है, और हाइपर में क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स है जो थायराइड के वो ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, बीएमआर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हाइपोथायराइड के लोग है ना, थोड़े चबी से रहते हैं, थोड़े ओबीज साइड में रहते हैं, और जो हाइपर थायराइड में रहते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। ओके, वो पतले हो जाते हैं बहुत। क्यों? क्योंकि बॉडी में एक्सेस थायराइड हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं। ओके, जब भी उनके क्या होता है, जब हाइपर थायराइड में क्या होता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो एक ऐसा हार्मोन है जो सेक्रेट होता है। अभी वो हार्मोन कब रिलीज होता है, मोस्टली जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब आप एंगर में रहते हो। ओके, तो ऐसे टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो एक आपने सुना होगा एड्रेनलिन एक रश होती है। ओके, तो जो बॉडी में सडन आपको एक एनर्जी फील होती है। भूमि, थायराइड का आपको एक अलग से लेक्चर है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये बस सब बेसिक बीएमआर के पर्सपेक्टिव से समझ लीजिए, पर थायराइड का आपको अलग से एक लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग डिटेल में थायराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आप ये समझे, जो बेसिक क्या है, इमोशंस रहते हैं, जो हमारे स्टेट्स, वो सारी क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन से हमारे कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए देखिए, जब एड्रेनलिन हार्मोन हमारा रिलीज होता है ना बॉडी में, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस रहती है ना, वो थोड़ी ब्लर हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई बहुत गुस्सा आया है, और गुस्से में आप ऐसा डिसीजन कुछ ले लेते हो ना, कि जो आप बाद में जाके रिग्रेट करते हो कि नहीं, मुझे उस टाइम वो लेना नहीं चाहिए था। ये क्यों होता है? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन है ना, वो हमारे इमोशनल स्टेट्स में है, जैसे कि है ना इमोशंस है, वो इमोशंस में थोड़ा हैवी हो जाता है, और वो क्या होता है, उस टाइम पे आपका बीएमआर लेवल भी डेफिनेटली बट ऑब्वियस बढ़ ही जाता है। आपने देखा होगा कोई कोई गुस्से में होता है ना, वो लिटरली शेक करता है। ओके, कि उसका जो बीएमआर लेवल क्या है, बढ़ गया है। ओके, तो वैसे क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारे इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए जब भी आप गुस्से में रहते हो ना, आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो। गुस्से में हमेशा आपका डिसीजन कुछ फ्लक्चुएटेड रहता है, आई वोंट से रॉन्ग रहता है, बट फ्लक्चुएटेड रहता है, आप एक्यूरेट सोच में नहीं ले पाते हो। ओके, तो वो क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारा रश होता है, और एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, पीएमआर लेवल भी हमारा रेज होता है। तो उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन जो रहता है ना, वो फुल्ली एक्टिव नहीं रहता। ओके, वो हमारी क्या है, इमोशनल स्टेट्स है उससे कनेक्टेड रहता है। ओके, एडिशनल एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है फॉलोइंग कंडीशंस में। जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, जब कोई भी, जैसे देखिए, जैसे आपने देखा होगा टीनेज में क्या होता है, ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में क्या होता है, बीएमआर लेवल हाई होता है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा टीनेज में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कुछ ऐसे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में काफी पतले रहते हैं। ओके, क्योंकि टीनेज में इस वजह से क्या होता है, हमारी फिजिक जो रहती है एक नॉर्मल, एक अच्छी फिजिक रहती है, क्योंकि क्या होता है, बीएमआर लेवल हाई होता है हमारा। ओके, फिर अगेन दो केस कौन सा है, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, जो वुमेन है वो एक बेबी कैरी किया होता है, या फिर वो लैक्टेशन स्टेज में रहती है। तो ये दोनों केसेस में क्या होता है, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन में बीएमआर लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि बॉडी पे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक बेबी, एक चाइल्ड ग्रो कर रहा होता है अंदर बॉडी में, उस वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा चेंज हो जाता है हमारे बॉडी का। ओके, और एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर अगर लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन में बढ़ जाती है, एक लैक्टेशन का एक काम हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म उनका हाई हो जाता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, ऐसे ओके, सो डाइट्री फाइबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा एनर्जी सिस्टम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है।
अभी हम लोग जो एनर्जी सिस्टम्स एंड बीएमआर उसके बारे में हमारा डिस्कशन बेसिकली हो गया है। अभी हम लोग करेंगे डिस्कस डाइटरी फाइबर के रिगार्डिंग। ओके, सो डाइटरी फाइबर यूजुअली क्या होता है? जो प्लांट सेल्स होता है, ओके, जो हमारे फाइबर के बारे में, एक हमारा बेसिक एक कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा होगा कि जो हमने कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए थे जो क्या होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी। ओके, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डाइटरी फाइबर्स यूजुअली क्या होते हैं? प्लांट सेल्स हैं। ओके, प्लांट सेल्स के रिगार्डिंग में होते हैं, जैसे सेल्यूलोज है, पेक्टीन है। ये सारे कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनको हम लोग इनटेक कब लेते हैं? जो हमारा डाइट है, कभी कभी देखिए वो डाइट ऐसा होता है, ये फाइबर्स क्या रहते हैं, वाटर होल्ड करते हैं या फिर फर्मेंट हो जाते हैं। उस वजह से ना हमारा जो वेस्ट है बॉडी का, एक्सेस वेस्ट है, वो काफी इजीली बॉडी से आउट हो जाता है। ओके, ऐसे एक क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ। कुछ डाइट्स रहते हैं ना जो फाइबर्स रहते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रहते हैं, कुछ रहते हैं वाटर सॉल्यूबल रहते हैं और कुछ रहते हैं सिर्फ फर्मेंट होता जाते हैं। ओके, जो मोर फर्मेंटेबल रहते हैं, और कुछ इनसॉल्यूबल रहते हैं, कुछ सॉल्यूबल रहते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ है। सॉल्यूबल क्या रहते हैं? सॉल्यूबल बॉडी में जो भी वाटर है वो अब्सॉर्ब करके बाहर बॉडी से पुश करने में हेल्प करते हैं। और इनसॉल्यूबल क्या होते हैं कि वो उसके साथ उनमें खुद में बहुत ज्यादा वाटर होता है, तो वो क्या रहते हैं, मिक्स तो नहीं होते, हमारे बॉडी का वाटर तो अब्सॉर्ब नहीं करते, बट वो बाहर रिलीज करने में फूड एक्सेस हेल्प कर देते हैं। तो इनसॉल्यूबल वाले कौन से हैं? सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। और जो सॉल्यूबल है उसमें पेक्टीन है, ये सारी चीजें होती है। बट ये कैसे ना, आपको बेसिक, आपको बस इतना समझना है कि फाइबर है, बेसिक फाइबर का काम क्या होता है, आपके बॉडी से जो भी एक्सेस वेट वेस्ट है वो बाहर पुश करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे कोई भी, अगर आप देखो, कोई आगे उसकी फिजियोलॉजी में बताती हूँ। ओके, तो अगर बेसिक अगर आप देखो, क्या आपके बॉडी में कभी कभी क्या होता है, कुछ फूड ऐसा रहता है ना जो बहुत ज्यादा डेंस रहता है। ओके, तो अभी डाइजेशन होने के बाद आपकी बॉडी उसको अच्छे से बाहर वेस्ट नहीं कर पाती। जैसे प्रोटीन फूड हो गया, अभी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए पूरी की पूरी तरह से यूज हो जाता है। फिर अगर आपने ये खा लिया, प्रोटीन को ही खा लिया, तो प्रोटीन भी अच्छे से यूज हो जाता है। अभी क्या होता है, उसमें वेस्ट करने के लिए कुछ ज्यादा मटेरियल बचता नहीं है, पर बॉडी को सेक्रेट पर डे करना तो जरूरी है। बॉडी को जो भी यूज नहीं होता है, पहले से वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वो बाहर वेस्ट करना जरूरी है। वो बॉडी ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकती। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि अगर वो ज्यादा वो बाहर पुश नहीं कर पाई, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन आपको क्रिएट हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, जब आप कोई भी फाइबर का इंटेक करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, आपने कोई भी प्रोटीन फूड ले लिया, पनीर या फिर चिकन कुछ भी ले लिया, तो अगर उसके साथ अगर आपने कोई भी फाइबर्स फूड रखा है, फाइबर्स यानी सैलेड्स रखे हैं, ओके, वेजीज के सैलेड्स रखे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, सैलेड्स की वजह से आपका क्या होता है, जो क्लियरेंस होता है, स्टमक क्लियरेंस काफी इजीली हो जाता है, काफी अच्छे से हो जाता है। अगर आपने वो सारा क्लियरेंस के सब्सटेंस नहीं रखे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के केसेस होने के चांसेस है। बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं। ओके, या फिर अगर किसी ने, ये रहता है ना, अगर प्रोबायोटिक्स में, अभी ये तो हम लोग अभी प्रीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो दूसरे हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे कर्ड हो गया। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो अगर वो भी, अगर उस टाइम पे अगर उनका इंटेक नहीं है कोई भी प्रोटीन फूड के साथ, तो क्या होता है, डाइजेशन स्मूथ नहीं होता है। ओके, इसलिए क्या होता है, खाने पीने में हमें ये चीजें रखना जरूरी होती है। मीन्स क्या, मोस्टली क्या है इम्पोर्टेंट, फाइबर। ओके, तो फाइबर की है मतलब प्रॉपर्टीज है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे क्या होता है, फाइबर में क्या होता है, वाटर होता है। ओके, विस्कोसिटी है, सोल्युबिलिटी होती है, मतलब क्या होता है, वाटर अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। सरफेस एरिया उनका बड़ा होता है, मतलब जैसे क्या हो गया, अभी अगर आपने कोई भी क्यूकम्बर खा लिया, तो क्यूकम्बर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट काफी कम रहता है उसमें, पर क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है। वो खाने पीने में क्या होता है, काफी डेंस होता है। ओके, उसमें वाटर ज्यादा होता है, उस वजह से क्या होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है, उसमें फाइबर्स है, वाटर अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। ये क्या होता है, उनकी अच्छी क्वालिटीज रहती है, जो इसलिए हमें उनको खाने पीने के साथ, हम उनको ऐड करें तो उनका यूजेस अच्छे से हो जाता है। ओके, तो फूड सोर्सेज मोस्टली उनके कौन से है, जैसे वेजीज हो गए, कार्बोहाइड्रेट, गुड क्वालिटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वेजीज हो गए, पल्सेस हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, उनका बेस्ट सोर्स है फाइबर्स के लिए। ओके, फाइबर्स यूजुअली वर्क कैसे करते हैं डाइजेशन में? जैसे डाइजेशन में क्या होता है, डाइटरी फाइबर होते हैं, मिक्स होते हैं पार्शली डाइजेस्ट फूड के साथ स्टमक में,
उसके बाद क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज यानी और पतले पतले जो है पीसेस में वो ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद अमाइलेज है, अमाइलेज जो ये है पैनक्रियाज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करते हैं वो रिलीज होते हैं। उसके बाद जो उनका जो भी है ब्रेक डाउन है, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे वो उनके साथ डिवाइड हो जाते हैं और फिर आगे वो डाइजेशन के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे रेगुलरली अच्छे से अगर कोई भी बल्किंग है, यानी क्या है, अगर कोई आपके स्टमक में ऐसा फूड है जो नहीं अच्छे से वेस्ट जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या करता है, वाटर होल्ड करके, यानी बल्क होता है, वाटर होल्ड करके बल्क होता है और बाहर फूड रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ तक आई होप किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फर्मेंटेशन है कि कोलोन में फर्मेंटेशन कैसे होता है, कोलोन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे बॉडी का वेस्ट स्टोर होता है। ओके, तो जो कोलोन एरिया होता है वहां पे क्या होता है, यूजुअली फर्मेंट होता है फाइबर, या फिर जो ये है फाइबरिक जो भी प्रोडक्ट्स है वो क्या होता है, कोलोन में क्या होता है, फर्मेंट होते हैं। वहां पे क्या होता है, वाटर होल्ड होता है और वहां पे वो धीरे धीरे आउट करने के लिए हेल्प होती है। तो भी डिफरेंट टाइप का आप देखोगे, जैसे सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज में क्या होता है, 20 to 80% उसमें रहता है फाइबर रहता है। फिर हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ है, वीट ब्रैन है, ओके, स्टार्च है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स है जो हम लोग डेली डाइट में रखते हैं। अभी ये सारी चीजों का आप नाम याद रखोगे तो क्या होगा, बहुत सारे मार्केट में ना प्रीबायोटिक्स अवेलेबल है, तो प्रीबायोटिक्स के टाइम पे ना पढ़ सकते हो कि कौन से टाइप का ये फाइबर है, जिसमें कितना फाइबर हो सकता है। ओके, तो आपको वो इजीली पता चल जाता है। अभी जो कोई भी रहता है ना कि ग्लूटन से एलर्जिक रहते हैं, वो लोग वीट ब्रांड का कभी भी नहीं लेते, जिससे वीट में क्या होता है, ग्लूटन रहता है, तो ग्लूटन वाले क्या रहते हैं, वीट ब्रांड कभी नहीं लेते, जिनको अगर ग्लूटन से एलर्जीज है या फिर जिनको ग्लूटन सूट नहीं करता उनके लिए। बाकी मोस्टली सब लोग अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। या फिर स्टार्च है, स्टार्च भी कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है, पर बाकी सारे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज ये नॉर्मल है। ओके, इससे ज्यादा इतनी प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होती। ओके, एब्जॉर्प्शन है, ओके, सो अब्सॉर्प्शन देखिए, सो अब्सॉर्प्शन में क्या होता है, एक फर्मेंटेशन एक पार्ट रहता है, पार्ट ऑफ यानी जो प्रोडक्ट है जिनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के, डाइजेशन यानी जो ब्रेक डाउन होना है, उसमें जो एनर्जी वगैरह लेनी है वो। उसके बाद क्या होता है, यील्ड एनर्जीज में होता है, मतलब अगर जैसे आपने कोई भी क्यूकम्बर खाया, उसमें क्या है, थोड़ा सा 1-2 ग्राम तो एटलीस्ट कार्ब है, तो उसमें से क्या होता है, फिर वो कार्ब्स लेके वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी 1 ग्राम भी कार्ब उसमें क्या है, 4 किलो कैलोरीज। अगर 2 ग्राम भी उसको कार्ब्स हैं जो उनको क्यूकम्बर से मिल गए, तो उसमें से वो क्या करता है, वो कार्ब्स लेके वो क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और रिमेनिंग जो भी है वो फिर वो आगे क्या है कि आगे वो जो भी पार्ट है जो अब्सॉर्ब हुआ है वो क्या करता है, आगे फिर डाइजेशन सिस्टम में जाने देता है। फिर डाइजेस्ट सिस्टम में जाने के बाद क्या होता है, एक जो केमिकल प्रोसेस जो हमने देखी थी, वो केमिकल प्रोसेस है वो धीरे धीरे परफॉर्म होती है। जैसे पाथवे साइकिल्स कर हमने पढ़ी थी, जो कार्बोहाइड्रेट्स की देखी थी पाथवे साइकिल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट में थी, वो परफॉर्म होती है और वो उसके बाद क्या होता है, वो आगे लिवर में चला जाता है। और लिवर में जाने के बाद फिर आगे जो लास्ट एक होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी कुछ परफॉर्म होते हैं। जैसे अगर कोई है, कोई अभी बहुत सारे ऐसे प्रीबायोटिक्स रहते हैं ना जो थोड़े से नेचर में गैस्ट्रिक रहते हैं। ओके, जैसे आपने स्प्राउट्स वगैरह देखे होंगे, जैसे स्प्राउट्स हैं वो अगर भिगो के खाओ तो किसी किसी को गैसेस प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे छोले सुना होगा। ओके, छोले राजमा ये सारी क्या है, थोड़े से उसमें गैसेस रहते हैं, जब वो डाइजेशन होते हैं उस टाइम भी कुछ गैसेस हैं जो रिलीज होती हैं। ओके, जो बॉडी में स्टोर होती हैं। ओके, तो जो फाइबर है उसके डाइट में रखने के बेनिफिट्स क्या है, फाइबर क्या होता है, प्रमोट सेटाइटी। सेटाइटी यानी क्या है, अगर आप खाने में कोई भी चीज खा रहे हो, जैसे सेचुरेशन आई थिंक हमने टॉपिक पढ़ा था, सेटाइटी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज भरना, ओके, फुल होना, इसको क्या बोलते हैं, सेटाइटी। सेटाइटी यानी अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके खाने में थोड़ा सा प्रोटीन रखा है, आपने 50-100 ग्राम प्रोटीन रखा है और उसके साथ आपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी रखी है,
या फिर राइस रखा है, पर आपको उसमें पेट भरा हुआ नहीं लग रहा है। पर वही अगर आप साथ में सैलेड रहने रखोगे ना, तो फिर आपको क्या रहता है, पेट भरा हुआ फील होता है। तो ये भरा हुआ फील होना, उसको क्या बोलते हैं, सटाइटी बोलते हैं। तो सटाइटी आपको फील होती है फाइबर्स की वजह से। फाइबर्स की वजह से क्या होता है, गुड बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के हैं, जो गट बैक्टीरियाज हैं, उनको फाइबर्स अच्छे लगते हैं। तो गट बैक्टीरियाज के लिए क्या है, फाइबर्स जो हेल्पफुल है, आपको डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। फाइबर्स की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन या फिर लीकी गट, ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि क्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब होगा, जब आपकी बॉडी में इनफ फाइबर्स, फिर इनफ बैक्टीरियाज नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे अगर फाइबर का इंटेक आपने लिया है, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स या फिर लीकी गट, ये प्रॉब्लम्स आपको आती ही नहीं है। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स जो है, हेल्थ बेनिफिट्स यानी क्या होता है कि अभी बहुत सारे जो हमें बेनिफिट्स देते हैं, जैसे क्या है, आपके वेस्ट में क्या होता है, बल्क ऐड होता है। ओके, जो आपके डाइट है, कुछ भी है, अगर आपके डाइट है, आपके डाइट में क्या, आपको सेटाइटी फील होती है। ओके, एंड जो बेनिफिट्स आते हैं कि जो वाटर है, ओके, सो अगर फाइबर से देखिए, ब्लोटिंग जिनको होती है ना, उनको फिर क्या है, गैस्ट्रिक सब्सटेंस है, उनसे प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या है, अगर जिनको फाइबर से ब्लोटिंग फील होती है, उनको प्रोबायोटिक्स के लिए जाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स यानी जो कर्ड हो गया, जो छाछ है, या फिर प्रोबायोटिक्स में कुछ लिक्विड्स भी आते हैं, कुछ टैबलेट्स भी आते हैं, तो मोस्टली उनको उसके लिए जाना चाहिए। कुछ रहते हैं लोग जिनको ब्लोटिंग होती है, दैट्स आई नो, बट जिनको नहीं होती है, जिनको सूट नहीं होता है, वो प्रोबायोटिक्स को जा सकते हैं। क्योंकि फाइबर क्या है, प्रीबायोटिक्स है। ओके, वो क्या है, बायोटिक, जो आपके बैक्टीरिया के गट बैक्टीरिया है, उनको हेल्पफुल है। अगर आपको प्रीबायोटिक्स नहीं सूट हो रहे, अगर आपको फाइबर नहीं सूट हो रहा है, तो आप प्रोबायोटिक्स के लिए जा सकते हो। ओके, जो फाइबर है उनका इंटेक जैसे हमें बढ़ाना है, तो उसमें क्या आप कर सकते हो, जैसे स्नैक्स। ओके, बहुत सारे स्नैक्स रहते हैं जो होल फ्रूट्स रहते हैं। इंस्टेड ऑफ स्नैक्स यू कैन गो फॉर होल फ्रूट्स, या फिर ड्रिंकिंग फ्रूट जूस से ज्यादा भी बेटर क्या है, फ्रूट्स जो है वो खाना ज्यादा बेटर है। ओके, व्हाइट पास्ता या फिर ब्रेड को आप क्या कर सकते हो, जो बार्ली है, मिलेट्स है, क्विनोआ है, उसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। स्नैक्स जो रॉ वेजिटेबल्स है, तो चिप्स के आप रॉ वेजिटेबल्स से हो गए, उनका इंटेक कर सकते हो रादर देन चिप्स वगैरह। ओके, जो लेग्यूम्स है उनको, उनसे आप थोड़ा 300 लेग्यूम्स पर मीट, और 2 3 times a week आप ये कर सकते हो कि लेस मीट एंड मोर वेजेस। अगर आप कोई भी मीट की चीजें खा रहे हो, तो मीट से क्या होता है, एक्सेस मीट से कभी कभी किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन फील होता है, हर किसी को नहीं होता, क्योंकि अगेन हर किसी का डाइजेशन सिस्टम डिफरेंट है। पर अगर किसी किसी को वो होता है कि मीट के साथ किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन फील होता है, तो उनके वो खाने में वेजीज रख सकते हैं। ओके, मंच ऑन पॉपकॉर्न्स। ओके, जो पॉपकॉर्न्स वगैरह है वो भी थोड़े फाइबरस हैं, तो चिप्स से ज्यादा पॉपकॉर्न्स बेटर है। ओके, चिया सीड्स है, वो वाटर के साथ इन्फ्यूज करके लिए सकते हैं। ओके, वाटर इनटेक है, वाटर इनटेक क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपके कोई भी डाइजेशन है, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपकी बॉडी है वो 50 to 60% क्या है, वाटर से है बनी हुई। ओके, आपके बॉडी में क्या है, मेन बॉडी में जो वेट होता है, उसमें क्या होता है, 55 to 57% क्या होता है, हाई प्रपोर्शन ऑफ मेन। तो देखिए, 60% बॉडी वेट जो रहती है वो हमारी रहती है वाटर में। ओके, और उसमें भी अगर हम फीमेल्स में देखें, तो फीमेल्स में क्या होता है, 55 to 57% क्या होता है, वाटर होता है, और मेल्स में कितना है, 60% होता है। अगर लीन टिश्यू है हमारी बॉडी का, तो लीन टिश्यू में भी क्या होता है, 65 to 75% क्या होता है, वाटर होता है। लीन मसल मास जो हमने कैलकुलेट आगे करना सीखेंगे, तो 65 to 75% उसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड, द अमाउंट ऑफ लेस देन 25% ऑफ द वाटर वेट। ओके, जो अदर देन क्या होता है, जो छोड़ के फिर 25% जो बॉडी का एक वेट होता है, सिर्फ उससे में वाटर नहीं होता, अदरवाइज मोस्टली हमारी वाटर में, बॉडी में क्या है, 65 to 75% वाटर इनटेक है। ओके,
इसलिए क्या होता है, जो मस्कुलर पर्सन रहते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, वाटर का इंटेक ज्यादा होता है कंपेयर टू ओबीस पीपल। ओके, वो जो बीएमआई मशीन होती है वो वही कैलकुलेट करती है। जब भी आप बीएमआई मशीन पे, आपका एक बेसिक बीएमआई मशीन पे निकालते हो बीएमआई रिपोर्ट, तो उसमें क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है वो वाटर में से पास होता है, इसलिए क्या होता है उसमें एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिल जाता है। और जो ओबीस पीपल रहते हैं उसमें क्या होता है, उनमें वाटर इंटेक थोड़ा कम होता है, वाटर परसेंट बॉडी का कम होता है। जो कंपोजिशन है, जबकि बॉडी का क्या है, जो जैसे वाटर का हमने देखा था बेसिक कंपोजिशन, हमने स्कूल में पढ़ा है H2O। उस H2O, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो मॉलिकल्स रहते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिकल रहता है। वाटर का खुद का कोई टेस्ट या फिर ऑर्डर या फिर कलर नहीं होता। ओके, हाँ वो रीजन टू रीजन वैरी करता है थोड़ा बहुत। ओके, कि उसमें मिनरल्स क्या है, क्या है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टेस्ट में या फिर वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। बट यूजुअली क्या होता है, वाटर सिंपल रहता है और वो बॉडी के जो भी है सिक्रेशन में, जो क्लीनिंग प्रोसेस है, जैसे बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन, उसके लिए वाटर भी इनफ होता है। अगर वाटर इनटेक भी आपका डिफरेंट एक प्रॉपर है ना, तो वो भी आपको हेल्प करता है। ओके, अच्छे से क्लीनिंग के लिए। ओके, जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या होती है, वो पर्सन के एज के ऊपर होती है। जैसे पहले क्या था ना, एक ओल्ड स्कूल एक मिथ है कि वाटर ना 4 to 5 लीटर हर किसी को लेना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये इनटेक वैरी करता है। अगर कोई पर्सन एज में छोटा है या फिर अगर कोई पर्सन एज में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उनका वाटर इनटेक डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई नॉर्मल है, अगर उनका सेडेंटरी, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, लाइफस्टाइल पे भी ये चीजें डिपेंड रहती हैं। कि अगर कोई पर्सन है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन सेम हाइट वेट एज का है, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल डिफरेंस है। एक पर्सन जो है 9 to 5 एसी ऑफिस में बैठा है और वो पूरा दिन एसी में काम कर रहा है, एक पर्सन है वो मार्केटिंग वाला है, वो पूरा दिन मार्केट में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस से घूम रहा है, तो डेफिनेटली जो मार्केटिंग वाला पर्सन है उसका क्या होगा, वाटर इनटेक थोड़ा हाई होगा। और जो ऑफिस में बैठा है 9 to 5, वो ऑलरेडी कोल्ड रीजन में है। ओके, तो उसकी बॉडी क्या है, डिहाइड्रेट ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो उसको वाटर इनटेक उतना लग ही नहीं रहा है। ओके, तो क्या होगा, दोनों का वाटर इनटेक वैरी कर रहा है। मे बी जो ऑफिस में बैठा है उसका 2 से 3 लीटर तक का ही वाटर इनटेक होगा, और जो बाहर घूम रहा है उसका 5 to 6 लीटर भी हो सकता है। भले ही दोनों के हाइट वेट सेम है, ओके, भले ही दोनों का मसल परसेंट सेम है, पर क्या है, उनका पर डे का फिजिकल एक्टिविटी वैरी करता है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर इनटेक हर किसी का वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल रेंज में हमेशा रहता है, तो उनको ज्यादा वाटर इनटेक की जरूरत नहीं पड़ती। कोई किसी का बॉडी टेम्परेचर है जो बहुत हाई रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, उनका वाटर इनटेक ज्यादा होता है। जैसे अगर आप देखो कोई पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा उसका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, तो उसको क्या रहेगा, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए उसको वाटर इनटेक उसका डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। कोई ऐसे पर्सन है जो हमेशा चिल्ड रहता है, तो उसको वाटर इनटेक उसका ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन से शांत है, उसका बीएमआर लेवल एक नॉर्मल रेंज में चल रहा है। इस वजह से क्या होता है, उसका वाटर इनटेक भी कम है कंपेरेटिवली, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। तो इसीलिए क्या होता है, दो पर्सन हमेशा जरूरी नहीं कि हर किसी का वाटर इनटेक स्टैंडर्ड 4 to 5 लीटर हो। हर किसी का वाटर इनटेक वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मेंटल स्टेट, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें, उसका एज, उसकी सेक्स, वो ये सारी चीजों पे ये वैरी करता है। ओके, आपकी बॉडी में क्या होता है, एक इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोर्सेस ऑफ वाटर, लाइक वाटर कार्बो जो है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट इनटेक है उसमें भी वाटर होता है, फैट और प्रोटीन में। तो वो क्या होता है, वो वाटर उसमें से भी डिराइव होता है और बॉडी को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। ओके, जैसे राइस है, अगर हम लोग राइस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 70% वाटर होता है। तो ये जो खाना, जब वो वाटर डाइजेस्ट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो वाटर मेटाबॉलिज होने के बाद बॉडी को मिल जाता है, तो इसलिए क्या, वो मेटाबॉलिक वाटर उसको बोला जाता है। ओके, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है, जैसे आप देख सकते हो क्यूकम्बर में क्या है, 96.73 ग्राम्स क्या है, वाटर है। ओके, पर 100 ग्राम ये दिखाया गया है। एश गॉर्ड है, वाटरमेलन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वाटर है। ओके, तो इसमें से क्या होता है, बॉडी को मेटाबॉलिक वाटर मिलता है।
फंक्शन क्या है बेसिक वाटर के, वाटर का बेसिक फंक्शन क्या है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। ओके, बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी का जो थर्मोस्टेसिस बोलते हैं, जो बॉडी में जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, तो वो एक्टिविटीज के लिए क्या, कूल डाउन करने के लिए हमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम इन विच वेरियस बॉडी सब्सटेंस कैन डिजॉल्व एंड थस ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जहाँ पे जगह पे कभी भी एक ट्रांसपोर्ट की तरह भी क्या वाटर वर्क करता है। ओके, इट इज ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ यूरिन फॉर्म इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो यूरिन फॉर्म होता है उसमें भी क्या होता है, वाटर का मेजर रोल रहता है। ओके, जो बॉडी का वेस्ट है वो एक्सक्रेट करने में, जो वेस्ट करने में क्या होता है, वाटर यूज होता है। ओके, एज सराउंडेड बाय इंटरनल बॉडी टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सटेंट्स ऑफ शॉक्स एंड इंजुरी। अभी हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल रहता है उसमें क्या, सेल्स में वाटर रहता है, तो इसमें क्या, अगर आपके देखिए अगर बोन्स है, अगर उसके ऊपर एक मसल का अगर लेयर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा जल्दी इजीली हर्ट हो सकते हैं अगर हमने किसी ने हम लोग को टच किया। पर क्या होता है, वो वाटर से भरा हुआ रहता है, इसलिए क्या होता है, हमें वो ज्यादा हर्ट नहीं होता। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखो कोई भी एक बलून है, वो वाटर से भरा हुआ है, तो अगर आप इसको स्क्वीज करोगे तो वो क्या अपना नॉर्मल साइज में वापस चला जाता है। वो अंदर उसके, अगर आपने कोई भी उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है और फिर वो बलून के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर फिर अपने पानी भर के वो बलून में रख दिया, तो अगर आप उस बलून को स्क्वीज भी करोगे तो अंदर जो भी मटेरियल है वो हर्ट नहीं होगा। वैसे ही हमारी बॉडी भी है, बहुत सारे स्किन सेल्स है जिसमें वाटर है, तो अगर आप तुरंत होल्ड भी करते तो भी आपकी बॉडी हर्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वाटर की लेयर है। ओके, तो वैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा शॉक्स हैं, वो इंजुरीज है, उससे क्या हमें हेल्प करता है वाटर। और मेन तो क्या है, जो बोवल मूवमेंट है, जो डाइजेशन के लिए जो मूवमेंट है हमारे बोवल मूवमेंट, उसमें भी वाटर इनटेक काफी ज्यादा हेल्प करता है। ओके, अभी प्यूरिफाइंग वाटर यूजुअली क्या होता है, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स रहते हैं वहां पे क्या होता है, सनरेज की वजह से जो 99.9% क्या है वाटर जो है वो इतने क्लियर क्लियर रहते हैं, उनकी वजह से उनके ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स उसमें क्या रहता है आपको क्लियर मिलता है। लेकिन बहुत सारे में क्या होता है, सेल्मोनेला टाइप ही रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है जो सनरेज की वजह से नहीं होता है, बट अगर वहां पे नहीं जाता तो उस वजह से वो फॉर्म हो जाता है। इसलिए प्यूरिफाइड जो वाटर है वो यूजुअली एडवाइस किया जाता है लोगों को पीने के लिए, कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते पर वो वहां पे होते हैं, पर वो क्या होता है, सनरेज अगर है सनरेज से सेंसिटिव रहता है, इसलिए अगर आप देखिए कोई भी सनरेज में अगर वाटर होता है ना तब हम उसका इंटेक कर सकते हैं, पर जहां पे सनरेज नहीं जाते, जैसे ऐसे कोई तालाब रहता है जो अबैंडन तालाब है या फिर अबैंडन कुछ ऐसे कुआं रहता है, ओके, तो वहां पे क्या होता है, वेल रहती है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहां का कोई वाटर इंटेक नहीं करता, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं। अभी जहां जहां तक सनरेज जाती है ना वहां वहां तक मोस्टली कोई बैक्टीरियाज नहीं रहते, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं ना वो सनरेज से सेंसिटिव रहते हैं, वो सनरेज को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी सनरेज की वजह से क्या होता है जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो ज्यादा फॉर्म नहीं होते। इसलिए हम लोग क्या, जो सनरेज में जैसे नदी हो गई, बहुत ज्यादा नदी है तो नदी में क्या होता है, सनरेज में वाटर रहता है, तो वो आप डायरेक्ट इंटेक एक बार कर भी सकते हो, पर जो अबैंडेंट रहते हैं जहां पे सनरेज नहीं जाते वैसा वाटर इंटेक करना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, अभी टीडीएस है, अभी यूजुअली क्या होता है, टीडीएस लेवल के हिसाब से हम लोग वाटर इंटेक करते हैं, जैसे 50 to 150 ppm का जो वाटर होता है वो बॉडी के लिए सुटेबल है और एक्सेप्टेबल है, पर उससे ज्यादा का जो एक वाटर इंटेक रहेगा ना, कि जो 1000 ppm तक, वो क्या होता है, अनसेफ होता है और अनफिट होता है ह्यूमन बॉडी के कंजप्शन के लिए। ओके, तो ये टीडीएस लेवल ना, वो जैसे आप सॉल्ट का इसका देखो, समंदर का जो रहता है, समंदर का क्या होता है, जो सी लेवल का जो वाटर का टीडीएस लेवल होता है वो थोड़ा हाई रहता है, इसलिए आप कभी भी कितने भी प्यासे हो आप समंदर का पानी नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि बॉडी के लिए अनएक्सेप्टेबल और अनफिट है वो। ओके, जो एक हमने एक रेंज देखा था 50 to 100 तक का है वो सुटेबल है। ओके, वाटर विद मिनरल्स, अपने ये अभी आपने देखा होगा कि खाने के साथ ना कभी भी वाटर नहीं पीना चाहिए, हम लोग को बहुत बोलते हैं लोग कि खाने के साथ अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो तो उसके साथ आपको पानी नहीं पीना चाहिए, उस वजह से क्या होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बीच बीच में डाइल्यूट हो जाता है, जैसे आप खाना खा रहे हो गैस्ट्रिक जूसेस जो भी है डाइजेस्टिव जूसेस क्या है रिलीज होते हैं, एसिड से वो रिलीज होते हैं डाइजेशन के लिए, उसमें जैसे आप वाटर पी लेते हो ना, वाटर इंटेक हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है
वो जो एसिड्स हैं वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए मोस्टली क्या कहा जाता है कि खाने से पहले या फिर खाने के बाद आपको वाटर इंटेक करना चाहिए। इन बिटवीन खाने के अभी आपको मोस्टली वाटर इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो जूसेस हैं, जो एसिड्स हैं जो रिलीज होते हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देर इज अ बैलेंस बिटवीन इनटेक एंड एक्सक्रेशन ऑफ वाटर। द किडनी ऑफ हेल्दी पर्सन एक्सक्रिएट एनी एक्सेस वाटर इंजेस्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स। द फिगर्स टू इनटेक आउटपुट गिवन इन चार्ट बिलो अप्रोप्रिएट एंड वेरी कंसिडरेबल इन द विद द एनवायरमेंट। अभी यूजुअली क्या है, कोई एक फिट पर्सन रहेगा ना, तो अगर वो वाटर इनटेक करता भी है तो वो क्या होता है, जितना उसके बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना लेके क्या होता है, विद इन फ्यू आवर्स बॉडी रिलीज कर देती है। इंस्टेंट नहीं, पर जैसे वो जितना है देखती है बॉडी का कैसा नेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, क्या फिजिकल एक्टिविटी है, क्या अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से यूटिलाइजेशन करके वो बाहर वेस्ट कर देती है। तो एक फिट पर्सन में वो इजीली हो जाता है। वैसे अगर आप देखो कोई पर्सन अगर बीमार रहता है, ओके अगर किसी को मोस्टली अगर कोई बीमारी है, कोई कुछ ना कुछ जैसे डायबिटीज है कुछ भी है, तो उनकी बॉडी क्या है, ज्यादा देर वाटर होल्ड नहीं कर पाती, वो तुरंत रिलीज कर देती है। ओके वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, तो ये क्या होता है, अनफिट होने का एक तरह से वो वे होता है कि उनकी बॉडी ज्यादा देर तक यूरिन नहीं होल्ड कर पाती। एक फिट पर्सन रहता है वो विद इन सम फ्यू आवर्स वो रिलीज कर देती है। ओके जो अनफिट रहता है उसको बार बार वॉशरूम जाना होता है, उसको बार बार यूरिनेशन का जो है फीलिंग आता है, सेंसेशन, क्योंकि क्या है उनकी बॉडी ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाती है। ओके तो वैसे आप डेली इनटेक देखें, डेली इनटेक ऑफ वाटर टी, मतलब यूजुअली क्या है कि कितना इनटेक आपका हो सकता है और इतना आपका डेली एक्सक्रेशन होता है पर डे का बॉडी का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से। जैसे वाटर इनटेक में आपने टी है, कॉफी है, फूड में कुछ होता है, आपने नॉर्मल वाटर कुछ इनटेक किया है, उसके हिसाब से ये एक्सक्रिएशन होता है। जैसे फिर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूरिन है, यूरिन में जाता है, रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग ब्रीद आउट में होता है, जो हम एक्सक्रिएट करते हैं वेस्ट उसमें होता है, स्वेट में होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या होता है, हमारी बॉडी वेस्ट करती है उसको। ओके वेस्ट रिलीज करती है। अभी वाटर डिप्राइव्ड क्या होता है कि अगर डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में कब जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, थर्स्टी, वीकनेस, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड ये सारी म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो आप देख रहे हो ड्राई स्किन आपके हो, वो फॉर्म होना शुरू हो जाती है। रैपिड हार्ट बीट, जो लॉस ऑफ वेट, कोमा, ये सारी एक्सट्रीम केसेस में है, बट क्या है, ये सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। ओके अभी हम ब्लेस्ड है कि इस वजह से हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ये सारी चीजें हम फेस नहीं करते, बट बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे क्या होता है, इनफ गुड वाटर इनटेक नहीं होता, तो वाटर उनको उतना मिलता नहीं है, तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें वो फेस करते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से। आपने सुना होगा कि बहुत पहले कुछ डेथ्स भी होते थे डिहाइड्रेशन की वजह से, बट लकीली हम ब्लेस्ड है तो हमने ये सारी चीजें आई थिंक हमने फेस नहीं की है। आई होप सब किसी ने फेस नहीं की है ना किसी ने देखी है। ओके वरना क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये सारी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ओके तो वाटर इनटेक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो हम और वाटर का हम लोग किसी और चीजों से किस है रिप्लेस नहीं कर सकते। वाटर एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है और जिसकी रिक्वायरमेंट हम किसी और चीज के साथ वो रिप्लेस ही नहीं कर सकते। ओके जैसे टिप्स हैं कि अगर आपको वाटर इनटेक का है, तो वैसे क्या यूजुअली कहा जाता है कि सिट डाउन एंड देन ड्रिंक योर वाटर, बिकॉज क्या होता है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो एक डाइजेशन लेवल है, एक रिलैक्स रहता है, जब आप वाटर इनटेक करते हो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। ओके हमेशा मतलब है ना, अवॉइड ड्रिंकिंग ऑल द वाटर एट वंस, मतलब आपको एक साथ पूरा वाटर नहीं पीना चाहिए, धीरे 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 पानी पीना चाहिए, तो बॉडी अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाती है। ओके यूजुअली क्या है, रूम टेम्परेचर या फिर वार्म वाटर ज्यादा बेटर है, मतलब ज्यादा कोल्ड ना हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, भले कितनी भी हीट हो बाहर, क्या होता है आपकी बॉडी मतलब एक बार वार्म नहीं पियो चलेगा, पर रूम टेम्परेचर, क्योंकि क्या है आपकी बॉडी का टेम्परेचर है ना वो हमेशा हाई रहता है, उस टाइम पे क्या होता है आप ठंडा एकदम पानी बॉडी पे डाल देते हो, तो विच इज नॉट हेल्पफुल, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है थोड़ा इंटरप्ट हो जाता है। जैसे अगर आप देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा गर्म तवा है उसके ऊपर आप ठंडा पानी छिड़क दो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने देखा वो स्प्लैशेस, उस टाइम पे आपने देखा वो स्प्लैशेस आप देखते हो, पर आपने उस तवे का आप हाल देखना,
उसमें ना धीरे धीरे जो रहता है ना वो खराब होने लगता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी है, हमारी बॉडी क्या होती है, टेम्परेचर बहुत अंदर से बॉडी का हाई होता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम चालू है, पूरा दिन हमारी बॉडी वर्क करती रहती है। हाँ, आफ्टर जो एक रहता है ना, एक डॉन का टाइम रहता है कि आफ्टर सनसेट हमारी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स होना चालू हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जो हम डे टाइम में जितना भी पानी पी रहे हैं ना, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा पानी क्या होता है, बॉडी को हार्म करता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, डाइजेशन लेवल हाई है, और उस टाइम पे आप ठंडा पानी पी रहे हो। इसलिए मोस्टली रूम टेम्परेचर या फिर वार्म वाटर पीना ज्यादा हेल्पफुल है। ओके okay? ड्रिंकिंग टेपिड वाटर। ओके, जो टेपिड वाटर है यूजुअली क्या है कि एक डाइजेशन सिस्टम के लिए एक टेपिड वाटर जो रहता है वो हेल्प करता है कि आपके टेपिड यानी एक नॉर्मल रेंज का वाटर, आपको ज्यादा हॉट नहीं और ज्यादा कोल्ड भी नहीं। ओके, ड्रिंक ओनली व्हेन यू आर थर्स्टी, मतलब आपको पानी तभी पीना चाहिए ना जब आपको सच में प्यास लग रही है। जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है 4 to 5 लीटर पानी पीना है, इसलिए एक्सेस वाटर इंटेक करना जरूरी नहीं है। आपको जब लग रहा है आपको पानी पीने की जरूरत है तब आपको पानी पीना है, अदरवाइज नहीं पीना है। ओके, एंड ड्रिंक वाटर थिंग द फर्स्ट थिंग, आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी 7 to 8 आवर्स ऑलरेडी डिहाइड्रेट रहती है। ओके, और आपकी बॉडी का जो है इनफ कुछ भी एकदम फास्टिंग मोड में रहती है, इसलिए उस टाइम पे क्या होती है, बॉडी कंप्लीटली डिहाइड्रेट रहती है। उस टाइम पे वाटर इंटेक रहना ज्यादा जरूरी होता है। ओके, ड्रिंक वाटर स्टोर्ड इन सिल्वर एंड कॉपर वेसल्स, सिल्वर या फिर कॉपर वेसल में रखा हुआ पानी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हाँ, आज के टाइम पे इतना रियलिस्टिक नहीं है, पर अगर जो भी कोई कर पाता है वो ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उसमें जो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं कॉपर में, जो आपको हेल्प करते हैं, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रहती हैं वो आपको हेल्प करती हैं, जो फ्री रेडिकल्स नहीं होने देते फॉर्म ज्यादा जल्दी बॉडी में। ओके, यहाँ तक हमारा एनर्जी सिस्टम का खत्म हो गया है। एनर्जी सिस्टम रिगार्डिंग किसी को कुछ भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है ऐसे? अगर किसी कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। कोई चीज है किसी को नहीं समझ में आई ऐसे? ओके, तो हम लोग ओके, तो अभी हम लोग आगे जो कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, किसी को यहाँ तक कुछ है डाउट कि नहीं समझ में आया कोई टॉपिक फाइबर्स में, वाटर में? ओके, बीएमआई में कोई क्वेश्चन? बीएमआई का आगे आपका होने वाला डेडिकेटेड लेक्चर, जो पर बीएमआर में कोई समझ में नहीं आया ऐसे, आरएमआर? ओके, तो अभी हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक समझने वाले हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि फाइबर्स वगैरह है, जो ये डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब भी अभी क्या होता है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा है ना कि जो सबसे ज्यादा नोन है, हमें पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है कि उसमें आपको कोई चीज है कि आपको पता है कि हाँ आपको ये खाओगे ना तो ऐसा फील होता है, वो खाते हो तो कैसा फील होता है। तो आपको कोई सर्टन फूड है जो सूट करता है, सर्टन फूड नहीं सूट करता। कोई सर्टन फूड खाने से आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है,
कोई सर्टन फूड खाने से आपका वेट नॉर्मल रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या है कि आप आपके डाइजेशन सिस्टम से अवेयर हैं। आपके बॉडी में अगर कोई भी और सिस्टम है, जैसे आपके बॉडी में हार्मोनल सिस्टम है, आपको नहीं पता है कि आपको क्या खाने से कैसे फील होता है, पर आपको ये पता है कि क्या खाने से मतलब डाइजेशन लेवल आपका कैसे रहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम कौन सी फूड को कैसे रिएक्ट करता है। ओके, सो सबसे ज्यादा नोन कोई सिस्टम है ना हमारी बॉडी में, तो डाइजेशन सिस्टम है, जिससे ह्यूमंस अवेयर है। जो फिर अगर उनका नर्वस सिस्टम होगा वो इतने अवेयर नहीं रहते हैं, उनके हार्मोनल सिस्टम है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम से बॉडी इतना अवेयर नहीं है, ह्यूमंस इतने अवेयर नहीं है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम से है। तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक चीजें क्या होती हैं, तो कौन सी चीजें हैं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आपको समझना है कि उसके स्टेप्स क्या है। सो डाइजेस्टिव आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट आपके माउथ से होता है, जो आपकी ओरल कैविटी है। अगर कोई भी आप चीज पहले खाते हो, वो कहाँ पे आपके माउथ में पहले सबसे जाती है, तो वहां से क्या होता है, आप चूइंग स्टार्ट करते हो। फिर जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज होते हैं, फैरिंग्स रहता है, जो नेक के पास जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ से ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। और फिर जैसे आप देख रहे हो, लिवर तक, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड क्या रेक्टम, ये सारी चीजों का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये क्या है, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। जो डायट्री फैक्टर्स रहते हैं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ क्या है जो रिलेटेड है। तो पहले क्या है, एसिडिटी, इनएडिक्वेट फाइबर, फैट्स, ग्लूटन इन व्हीट, लैक्टोज और अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या है बॉडी को, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको क्या रहती है, थोड़ी हार्मफुल रहती है, वो अच्छे से बॉडी को रिएक्ट नहीं कर पाती। अच्छे से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमारे बॉडी का जो पीएच है, जो स्टमक का पीएच है, वो क्या होता है, 5.2, 5.2-7 के बीच में हमारा पीएच रहता है। जो क्या होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि एसिडिक जो जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वो वहां पे रिलीज होते हैं। जो सिट्रस फूड है, जो less than 2 सिट्रस फूड्स है, और पीएच है 3.5 पॉइंट मोर, उससे इसलिए क्या होता है कि जो फूड है जो एसिडिक होता है वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमें तुरंत एसिडिटी हो जाती है। इसलिए प्रोटीन रिच फूड क्या रहता है, वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है, और जो एसिडिक फूड है वो हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनएडिक्वेट फैट्स कौन से, फाइबर्स कौन से रहते हैं, मतलब देखिए, अगर आपके खाने में आपने इनफ फाइबर, मतलब जो है कि अगर किसी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पनीर खा रहे हो या फिर आप चिकन खा रहे हो, चिकन के साथ आपने रोटी है वो, जैसे अगर आप देखो, अगर आप चिकन के साथ ना कोई भी मैदे की चीज खाते हो, जो स्ट्रीट फूड आपको इजीली मिल जाता है, चिकन और फॉर एग्जाम्पल कोई पाव हो गया, जो सिंपल है, जो सिंपल एकदम बेसिक एकदम मैदे से बना हुआ है, अभी मैदे में क्या है, फाइबर नहीं है, प्योर ग्लूकोज है, अगर उसके साथ आपने चिकन खा लिया ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी फील होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो डाइजेशन सिस्टम करने के लिए जो फाइबर चाहिए, उसमें मैदे में इनफ फाइबर नहीं होता। तो अगर आप फ्रीक्वेंट अगर वैसा खाना रहते हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत जल्दी प्रॉब्लम आपको दिखेगा। बट वही अगर आप चिकन कोई अच्छे से मिलेट्स है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, उनके साथ आप खा रहे हो ना, तो वो क्या होगा, आपको डाइजेशन आपका स्मूथली होगा। क्यों, क्योंकि उसमें इनफ फाइबर्स है, तो वो क्या हो गया, एडिक्वेट फाइबर हो गया। अभी इनएडिक्वेट फाइबर कहाँ पे होगा, जो आपने मैदा खाया है, तो क्या है, इनफ डाइजेशन के लिए इनफ फाइबर उसके साथ नहीं मिला है आपको। तो ये डिफरेंस है, इनएडिक्वेट फाइबर में। जो केसेस ऑफ एसिड रिफ्लेक्स है, जैसे मैंने बताया था कि जो एसिडिक फूड है, एसिडिक फूड है वहां पे आपको डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जब एसिडिक फूड्स रहते हैं हमारी बॉडी क्या है, एसिडिक फूड नहीं कर पाती डाइजेशन से। हमारे बॉडी का हमारा पीएच कितना था, 5.2-7 है, अगर बिलो 5 कुछ भी रहता है ना, जैसे बहुत सारे एसिडिक, जैसे सिट्रस है, नींबू है, नींबू देखिए आप एक सर्टन क्वांटिटी में ही खा सकते हो, उससे ज्यादा आप नींबू का इंटेक कर ही नहीं सकते, आपको नॉशियस फील होगा, या फिर आपको एक रहता है ना कि एक एसिड रिफ्लेक्स, आपको बार बार नॉशियस फील होगा, आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स नहीं लगेगा।
कि आपके बॉडी का पीएच क्या है, 5 to 7, एंड बिलो 5 आपकी बॉडी कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. ओके okay? जो हाई फाइबर फूड्स रहते हैं, फूड्स रहते हैं जैसे बनाना हो गया, ओके और ये मेलन्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फेनल रहता है, वाटरी फूड्स रहते हैं, ये क्या होता है बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है. लेकिन क्या है, जिंजर एंड लेमन है, ये क्या होता है, ये मेडिसिन के लिए ठीक है कि थोड़ा बहुत उसमें अल्कलाइन नेचर होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रहते हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक है. बट उससे एक सर्टन, जैसे टी होगी, टी मतलब क्या, छोटी सी क्वांटिटी है जिसमें आप वाटर भी मिक्स कर रहे हो और उसके बाद ले रहे हो, तो जिंजर टी, तो वो क्या है, एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी में ठीक है, पर उससे ज्यादा आपको ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी. अगर आप बहुत ज्यादा इंटेक करते हो तो आपको हार्ट बर्न फील होता है. ओके तो ये क्या है, क्योंकि उसमें क्या है, जो नेचर है उसका एसिडिक है, एसिडिक है, बिलो 5 है. ओके तो हमने पहले अभी क्या किया था, कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिस्कस किया था. हम कॉन्स्टिपेशन क्यों कब होता है, जब आपके बॉवल मूवमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बिकम लेस फ्रीक्वेंट, स्टूल बिकम्स डिफिकल्ट टू पास. अब फिर डिफिकल्ट टू पास कब होगा, डिफिकल्ट टू पास तब होगा जब उसमें इनफ फाइबर्स नहीं होगा. जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर आप चिकन खा रहे हो, चिकन या फिर पनीर में आप क्या खा रहे हो, उसमें फाइबर्स ज्यादा है ही नहीं ना, उसमें प्रोटीन रिच फूड है वो, तो उसमें प्रोटीन ज्यादा है, उसमें फाइबर नहीं है, तो भाई डाइजेशन के लिए तो फाइबर जरूरी है. तो फाइबर आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आप उसके साथ कार्बोहाइड्रेट इंटेक करोगे. तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक वेजेस का भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक क्या हो सकता है, आप जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो भी रख सकते हो. इसलिए उस टाइम पे क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है. देखिए इट इज नॉट, अगर आपकी बॉडी सूट करती है, अगर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, किसी का डाइजेशन सिस्टम अगर आपका है 5 to 7 क्या है, नॉर्मल पर्सन का है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, अगर आपका पीएच लेवल अच्छे से आप मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होती है ना, स्मार्ट होती है, सर्टन टाइप के बाद ना एक चीज अडेप्ट कर लेती है. इट इज नॉट हेल्पफुल, पर वो क्या है, अगर आगे जाके आपकी बॉडी में क्या है वो आपको हार्म कर सकती है. अभी तो बॉडी आपकी वो एक्सेप्ट कर रही है, पर आगे जाके ये हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है. तो जिंजर और लेमन का आप इंटेक बोल रहे हो ना, इट इज एसिडिक इन नेचर, तो आपका क्या करेगी, वो धीरे 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 डाइजेशन सिस्टम खराब करेगी, भले आपको उसका कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी स्ट्रांग है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्ट्रांग है, बट वो क्या करती है, धीरे 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 आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देती है. इसलिए जो उसका एसिडिक नेचर है 5 to 7 में ही मेंटेन होना चाहिए. अब जितना मतलब एक हाथ सिर्फ एक हाथ कप इनफ है, एक हाथ से 2 कप, तो उससे ज्यादा उसका इंटेक हार्मफुल है बॉडी के लिए. ओके okay? जैसे हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस किया था, क्या होता है कि इनफ फाइबर इंटेक होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बॉवल मूवमेंट्स ही नहीं हो पाती है. ओके okay? तो उस वजह से वो रिलीज नहीं हो पाता. सो ओल्डर एज है, ओल्डर एज पीपल में क्या होता है, लेस एक्टिव होते हैं, इसलिए उसका क्या है, होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए उनके ना कॉन्ट्रेक्शन है, डाइजेशन सिस्टम है वो उतना फास्ट नहीं रहता है, इसलिए उनको क्या है, वाटर इंटेक, जो वाटरी फ्रूट्स हैं, वेजीज है, उसका इंटेक ज्यादा करना चाहिए. ओके जब वुमेन रहती हैं, स्पेशली जब प्रेग्नेंट रहती है, फिर चाइल्ड बर्थ के बाद के भी क्या होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन इजीली हो जाता है. क्यों, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस है, बहुत सारी 80 to 90% वुमेन्स है जो प्रेगनेंसी के बाद कॉन्स्टिपेशन फील करती हैं, और सीरियस कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. ओके क्योंकि क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. देखिए नींबू पानी कैसे है ना, नींबू पानी मैं आपको बता देती हूँ, अभी नींबू पानी क्यों अराइज हुआ, मैं इसका एक आपको बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ. पहले क्या होता था ना कि हमें, अगर आपको देखा, अगर आपको चक्कर फील हो रहा है, तो अगर चक्कर फील हो रहा है आपको, बस कोई बोले कि नमक और पानी ले लो, तो आप नहीं लेते हो, आपको लगता है कि अच्छी नमक और पानी को लेगा, तो फिर लोगों ने क्या किया, चलो उसमें कुछ फ्लेवर ऐड करना है ना, थोड़ा नींबू का फ्लेवर ऐड कर देते हैं, तो उसी लिए नींबू का एक फ्लेवर ऐड कर दे, क्योंकि क्या होता है थोड़ा टेस्ट में स्पाइसी, थोड़ा चटपटा लगता है, इसीलिए ये सारी चीजें इन्वेंट हुई है. तो क्या, जैसे कि मेजर उसमें इंटेक क्या होता है कि इंसान को सॉल्ट वाटर जाना चाहिए, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन होने के लिए, जो आपको डिजीनेस फील होता है वर्कआउट के बीच में. पर क्या होता है, लोग सिर्फ सॉल्ट वाटर लेना अवॉइड करते हैं, कि नहीं सॉल्ट वाटर कौन पिएगा, वो कैसे पियेंगे, तो उसमें नींबू क्या जस्ट फॉर टेस्ट ऐड किया जाता है. पर अभी धीरे धीरे लोगों ने फिर उसमें इन्वेंशन में क्या कर दिया, शुगर ऐड करना चालू कर दिया, फिर वो क्या हो गया, नींबू पानी मतलब शुगर ऐड करके वो वाटर इनटेक. ओके okay? तो ये जो मेन है, हमारा मेन इंटेक वर्कआउट के बीच में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर,
इतना इंटेक इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो नींबू ऐड हुआ, फिर वो शुगर ऐड हुआ, वैसे जैसे अभी आप देखते हो ना, आपको मैगी अगर आप खाते हो, आप मैगी में देखते हो ना, मैगी अभी आ गया, तो कोई मैगी में चॉकलेट डाल के बना रहा है, कोई मैगी में आइसक्रीम डाल के मैगी बना रहा है, कोई मैगी का कुछ अलग ही बना रहा है, तो ये वैसे ही नींबू पानी का है। मतलब सॉल्ट और वाटर बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनिशियली इतना ही इवेंट हुआ था कि भाई अगर कोई आप पीक फील कर रहे हो, आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो गया है, तो आपको सॉल्ट और वाटर लेना है। बट फिर क्या, जैसे जैसे रीजन में जिस जिस जैसे ना नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, किसी ने नींबू ऐड कर दिया, किसी ने शुगर ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे इन्वेंशन हो गया। जैसे आपको नींबू पानी के इंडिया में भी थ्रू आउट बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। जैसे अगर आप अभी आप इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया ओपन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, मैगी में 100 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मैगी इनिशियली कितना कैसे इन्वेंट हुआ था, मैगी डालो, पानी डालो, 2 मिनट बॉईल करो, खाओ। फिर लोगों ने उसमें क्या, उसमें कांदा टमाटर ऐड करना चालू कर दिया, किसी ने वेजेस डाल दी, किसी ने चॉकलेट डाल दी, किसी ने आइसक्रीम डाल दी। तो ये वैसा ही है नींबू पानी, एज इन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सॉल्ट और वाटर इतनी ही है। फिर हर कोई अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करता है, अपने टेस्ट के हिसाब से मैनिपुलेट करता है और वो उसका इनटेक करता है। तो जो आपको वर्कआउट के बीच में रिक्वायरमेंट है, फिर अर्ली मॉर्निंग रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर। आपकी बॉडी 7 से 8 घंटा क्या होती है, आप सो के उठे होते हो जस्ट, और बहुत एज वैसे कि बहुत ज्यादा आप वीक रहते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स नहीं रहते, आपकी बॉडी काफी डिहाइड्रेटेड रहती है। इसलिए सॉल्ट वाटर इंटेक करोगे तो बॉडी के लिए अच्छा है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स क्या होते हैं, रिवाइव होते हैं। वर्कआउट के बीच में भी क्या होता है, आप वर्कआउट करते हो, आपका स्वेट रिलीज होता है, उस टाइम पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम होते हैं, तो उस टाइम पे आप सॉल्ट वाटर का इंटेक करो, इट इज हेल्पफुल। नींबू सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है। आपको नींबू पानी यानी शुगर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज है नींबू पानी की भी आज, तो उतनी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर इतनी ही बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी की। ओके देखिए, शुगर ऐड करने से क्या होगा, शुगर से आपकी बॉडी में अगर वो, देखिए हर किसी की शुगर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो हर किसी को अगर आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर से वो सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप देखिए, अगर शुगर है, अगर आप एक लीन पर्सन हो, आपकी बॉडी में शुगर जितना भी है वो यूज हो सकता है, आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, तो आप शुगर ऐड कर सकते हो। अगर कोई है कि कोई ओबीज पर्सन है, अगर वो शुगर ऐड करके नींबू पानी डे टू डे ले रहा है, तो उसका वेट गेन होगा। ओके, कोई डायबिटिक पर्सन है, अगर वो शुगर ऐड करके नींबू पानी ले रहा है, तो उसकी शुगर लेवल राइज होगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, नॉन कुक्ड वेज इज बेटर, कैसे है ना, पनीर है, पनीर ऐसे है कि वो ऑलरेडी कुकिंग प्रोसेस से आता है। अगर आपको पनीर बनाने का प्रोसेस पता होगा, तो अगर आपने देखा होगा पनीर कैसे कुक होता है, पनीर कुक होने का प्रोसेस क्या रहता है कि दूध है वो बॉईल होता है, उसमें फिर नींबू डाला जाता है, फिर वो थोड़ा सेक्रेट करता है, वाटर अलग करता है, और जो प्रॉपर्टीज पनीर की रहती है वो अलग करते हैं, फिर हम उनको छानते हैं और फिर उसको बांध के रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी एक कुकिंग प्रोसेस से जा चुका है, ऑलरेडी एक हाई फ्लेम प्रोसेस से जा चुका है। तो क्या हो गया, जो पनीर है वो नॉन कुक नहीं है, वो बस क्या, आप आपके फ्लेवर के लिए कुक करके ले रहे हो। आपको जो भी सो कॉल्ड स्पाइसी फ्लेवर चाहिए या फिर स्वीट फ्लेवर चाहिए, जो भी आप चाहिए, वो उसको उस फ्लेवर में डाल रहे हो। अगर नॉनवेज फूड एजेंट क्या होता है, जो चिकन या फिर मीट है, वो सिर्फ कट के आपके पास आता है ना, वो कुक किधर हुआ है, तो इसीलिए आप उसको कुक करते हो। पर जो पनीर है वो ऑलरेडी कुकिंग प्रोसेस से होके ही आपके पास आया है, तो अगर आपको आपको फ्लेवर चाहिए, तो आप उसको कुक करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे पनीर टिक्का हो गया, पालक पनीर हो गया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों में आप उसको कुक करते हो। तो ये दो प्रोसेस समझिए, नॉन कुक्ड वेज यानी क्या, नॉन कुक वेज कौन सी चीज है जो ऑलरेडी हीट के प्रोसेस से होके आ रही है, तो हीट के प्रोसेस से आते ही ऑलरेडी उसमें जो बैक्टीरिया है सब है वो क्लियर हो चुके हैं। अभी देखिए, मेन कुकिंग का हमारा बेसिक कंसेप्ट समझिए, कुकिंग का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, जो हमारे 10,000 पहले जो पूर्वज थे, 10,000 साल पहले उन्होंने कुकिंग का प्रोसेस क्यों चालू किया, क्यों, क्योंकि वो बीमार पड़ते थे, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज रहते थे चीजों में, तो वो क्लियर आउट होने के लिए कुकिंग का प्रोसेस हुआ, टेस्ट के लिए नहीं ऐड हुआ था, वो क्लियर आउट होने के लिए कि जो भी बैक्टीरियाज हैं
ओके, क्योंकि वहां पे उतना हाइजीन नहीं था उस टाइम पे अवेलेबल, तो उन्होंने कुकिंग क्यों चालू किया कि उनको हाइजीन मिले, हाइजीन नहीं है तो जो बैक्टीरियाज है वो क्लीन हो सके, जो भी बैक्टीरियाज लगे हैं वो क्लीन हो सके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कुकिंग का। कुकिंग का कंसेप्ट टेस्ट नहीं था कि अच्छा सा टेस्ट आए, इसलिए तो अगर कोई भी अगर हम लोग आज खाना कुक करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं हो, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो वैसे ही कोई भी अगर आप खाना खा रहे हो तो वो समझिए कि उसका कुकिंग का मोटिव क्या है, कुकिंग इन्वेंट क्यों हुआ था। कुकिंग इन्वेंट इसीलिए हुआ था कि उसमें बैक्टीरियाज हम लोग को जो भी है वो क्लियर आउट हो जाए, क्लियर आउट हो जाए और आप एक अच्छा खाना खा सको, आप बीमार नहीं पड़ो। कुकिंग का पर्पस टेस्ट नहीं है, कुकिंग का पर्पस टेस्ट आज की जनरेशन में है कि आज की जनरेशन में हम कुक किया हुआ खाना ही फिर से कुक करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको टॉपिक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है? और ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, डैमेज हो सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से यूजुअली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हेमोराइड्स आपने देखा होगा कि बहुत सारा लोग है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि उनका क्या होता है, जो रेक्टम होता है ओके, वहां से क्या होता है, ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, इसको हेमोराइड्स बोला जाता है। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि इनफ फाइबर्स उनके डाइट में नहीं है। ओके, यूजुअली क्या होता है, जो एनस होता है उसकी जो लाइनिंग रहती है वो क्या होती है, टियर कर देते हैं, और टियर होने की वजह से स्टूल रिलीज करने के टाइम पे फिर वो क्या होता है, ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्यों आती हैं, क्योंकि उनके खाने में इनफ फाइबर नहीं है या फिर इनफ वाटर इनटेक नहीं है। ओके, ये मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद 70 to 80% वीमेन्स को ये सब फील करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, खाने पीने में आपका फाइबर रखना बहुत जरूरी है। ओके, फाइबर इंटेक आपको रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सीरियस केस तक जा सकता है अगर खाने पीने में इनफ फाइबर नहीं रहेगा, प्रीबायोटिक या फिर प्रोबायोटिक्स। ओके, जैसे हमने किया था कि जो भी डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि इनफ फाइबर नहीं होता तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू सीरियस हो जाता है। ओके, जो कॉमन लाइफस्टाइल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं इंक्लूड करते हैं कि क्यों, क्योंकि इनफ वाटर फाइबर इंटेक नहीं होता, वाटर इंटेक इनफ नहीं होता, और क्या होता है, एक्सरसाइज इनफ एक्सरसाइज नहीं होती उस टाइम पे, उस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन लीड हो सकता है। ओके, कि चेंजेस इन रेगुलर रूटीन, सडनली क्या होता है कि लोग ट्रैवल करते हैं, इनफ उनका रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, उस टाइम से भी कॉन्स्टिट्यूशन होने के चार्जेस हैं। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क और चीज, ओके, जब मिल्क या फिर चीज का इंटेक बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम पे भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस है, किसी का अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब क्या होता है, देखिए, एक हेल्दी माइंड हेल्दी गट, ओके, ये सारी चीजें होती है। अगर आपका माइंड फोकस्ड है ना तो आपका स्टमक भी क्लियर रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपका स्टमक क्लियर नहीं होता ना तो आपका कहीं पे ध्यान नहीं लगता, या फिर आप कोई चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो ना तो भी आपका स्टमक अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो क्या होता है, माइंड और स्टमक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और इक्वली कनेक्टेड है। आपका स्टमक अपसेट है तो आपका कहीं पे माइंड ध्यान नहीं रहेगा, अगर आपका स्ट्रेस है दिमाग में तो आपका खाने पीने पर ध्यान नहीं रहेगा और आपका स्टमक क्लियर नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वली डिपेंडेंट है। ओके, रेस्टिंग द अर्ज टू हैव अ बोवेल मूवमेंट, क्या होता है, रेजिस्टिंग टू अर्ज। कभी कभी को क्या होता है, कोई कोई वॉशरूम या फिर कोई कोई टाइम टू टाइम होता है ना अपना स्टमक क्लियर करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि जो जो टाइम होता है उस टाइम पे भी उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे टेस्ट रहते हैं किसी, कोलोनोस्कोपी, ये सारे टेस्ट उनके होते हैं। ओके, अगर उनको स्टडीज के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज, और वैसे वो किया जाता है, जैसे कलोरेक्टल ट्रांसिस स्टडीज रहती हैं जो टेस्ट क्या रहती है, इन्वॉल्व करती हैं ये पता चलने के लिए कॉन्स्टिपेशन कितना सीवियर है, कितना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उनके मेडिकेशन और डाइट उनका रहता है। ओके, मैनेजमेंट जो रहता है कि ड्रिंक 2 or 4 glasses ऑफ वाटर इन डे, 1200 to 1500, अगर कोई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उनको 1200 to 1500 ml तक का वाटर इनटेक सजेस्ट किया जाता है। अवॉइड कैफीन एंड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें हैं ये हायर इंटेक करना चाहिए।
ओवर हायर इनटेक ऑफ फूड्स लाइक मीट एग्स चीज, उनका हायर इनटेक नहीं करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना चाहिए। ओके वो हर किसी का पर्सन टू पर्सन रहता है। तो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट इनटेक पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। ओके कीप अ फूड डायरी एंड सिंगल कट ऑफ सिंगल आउट ऑफ फूड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स यू। मतलब क्या है, अगर किसी किसी को कॉन्स्टिट्यूशन सर्टन फूड से होता है तो हमेशा याद रखना चाहिए कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, फिर नोट करके रखनी चाहिए। एक्सरसाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, यूटिलाइजेशन फूड का होता है। ओके इसलिए ये जो टॉयलेट का जो सीट रहता है उसके ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंडेंट रहती हैं कि किसी का पॉस्चर कैसे है, ये पॉस्चर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी किसी को सप्लीमेंट्स भी रहता है कि अगर उनका जो जो बायोटिक का इंटेक है, प्रोबायोटिक या फिर प्रीबायोटिक, वो इनफ नहीं है तो उसके लिए भी सप्लीमेंटेशन रहते हैं जो पर्सन टू पर्सन सजेस्ट किए जाते हैं, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ओके कि अगर है किसी का है स्टूल इनटेक है वो अच्छा सा नहीं है तो उसके लिए क्या है, डॉक्टर सजेशंस करते हैं और उसके हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं चीजें। ओके सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। किसी को कुछ भी डाउट है आज के लेक्चर रिगार्डिंग, कोई चीज नहीं समझी है ऐसे है? आपको वीडियो मिल जाएगी। कोई चीज है, अभी हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड हो चुका है, एनर्जी सिस्टम हुआ है, वाटर हुआ है। ओके और अभी हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है उस रिगार्डिंग हुआ है लेक्चर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके रिगार्डिंग। किसी को कोई चीज है ऐसी जो नहीं समझ में आई है आज के लेक्चर में? हमने दो तीन टॉपिक कवर किए हैं बेसिक बेसिक। ठीक है फिर हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है तो कल के माइक्रो न्यूट्रिएंट लेक्चर रिगार्डिंग भी किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके थैंक यू एवरीवन। जिसको कुछ डाउट नहीं है वो लेक्चर लेफ्ट कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।